तेरे बिन सजना सांस में सांस आना। ये स्ट्रीमिंग चालू की बेटू, मुझे आज कमेंट्स कहाँ पढ़ने? ठीक, ओके, चल रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद। ये सुनना, मैं जब तक नहीं बोलू अभी दरवाजा नहीं खुलेगा। ओ भाई, मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, जब तक मैं नहीं बोलू दरवाजा नहीं खुलेगा। आ रहे जा रहे नहीं चाहिए। हाँ, पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी। नीचे वाले रसगुल्ले आप भी सीधे बैठेंगे जल्दी। पूरी क्लास सीधी बैठेगी। आप जल्दी से एक बार बोलेंगे गुड इवनिंग, और एक प्यारी सी हल्की सी, जिनको अरेंज मैरिज नहीं चाहिए उनको एक प्यारी सी स्माइल लेके आएंगे थोड़े पर। गुड। सो राजा बेटा जी, मेरे को एक बात याद नहीं आ रही यार, अपना टॉपिक चल रहा है कंपनी फाइनल अकाउंट, है ना? यस yes. अभी आज हम पेस में आ जाएंगे। कितने बच्चों ने बुक्स क्या बोला मैं क्या बोला क्या बोला क्या बोला बच्चे बोल रहे नहीं नहीं आगे नहीं आया ना वो, ऐसा क्या कर रहे यार, ऐसा मत फंसाया करो यार। मैं पहले इतना डरा डरा रहता हूँ, सहमा सहमा रहता हूँ। देखो, अगर अपन दोनों में अगर कभी कॉम्पिटिशन हुआ तो जो काले मन के वो तुम हो, साफ मन का मैं हूँ, ठीक है ना? सो प्योर हार्ट, यू सी। हाँ, सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, कंपनी फाइनल अकाउंट चल रहा था, मैं आज आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कितने बच्चों ने बुक्स कलेक्ट नहीं करी है। अच्छा, तो बाकी के बच्चे आपके पास बुक्स है, आपको वो आज यूज करनी है। अच्छा, हेमंत भैया जी, आपको क्या वो लिंक मिल गया है? सो वो लिंक आपको इस पर डालना है यूट्यूब पर, ठीक है? इसके अलावा बच्चों को ऑनलाइन भी ये बुक्स मिल चुकी है। मैं आपको बुक्स का स्वरूप दिखा देता हूँ, एक बार दोगे आप? ये बुक ऐसी कैसी हो गई? हाँ, ये बुक ऐसा क्वेश्चन बैंक आपको मिला होगा, इज दैट ओके? सो इस क्वेश्चन बैंक में सिर्फ क्वेश्चंस है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर कुछ कलर दिख रहे होंगे आपको पन्नों के, दिख रहा है क्या? इसमें से जो ऑरेंज कलर है वो एग्जाम के पहले आपको कर जाना ही है। कौन सा कलर? ऑरेंज कलर एग्जाम के पहले कर जाना ही है। ग्रीन कलर के जो रहेंगे इसके अंदर वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, और जो कॉन्सेप्ट बुक में है वो कॉन्सेप्ट बुक भी आपको एक दो तीन दिन में मिल जाएगी, और बच्चों को कुरियर भी होने लग जाएगी एक दो दिन में, ठीक है? तो तब तक के लिए दोनों बुक्स का जो फर्स्ट कॉपी है ये डाल रहे सेट, किस पर डाल रहे? यूट्यूब के इसमें, इज दैट ओके? अच्छा, जिन बच्चों के पास बुक नहीं लिए उन्होंने, आज के दो प्रॉब्लम्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दो तीन चार प्रॉब्लम, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको अभी वो जो बंदा है मेरा वो आपको उसके नोट्स दे देगा। नीचे कितने बच्चों ने कलेक्ट नहीं करी है? तो वो बंदा आएगा अभी, आपको नोट्स दे देगा, तो आप ले लेना और उससे काम करना शुरू करेंगे। एक दो क्वेश्चंस जो आज मैं डील करूंगा वो। तो पूरी व्यवस्था के साथ हम आगे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हमको फॉर्मेट याद है? हाँ, अभी भेज दे। हाँ, फॉर्मेट याद है तो एक बार जल्दी से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सभी लोग धपाधप मेरे मुंह पर फॉर्मेट मारेंगे और बात को खत्म करेंगे, ठीक है? और आज हमको बैलेंस शीट का फॉर्मेट परफेक्ट करना है। कल हमने जाते जाते है ना थोड़ा सा बात कर चले गए थे। तो पहला बैलेंस शीट में पहला क्या है? एक लास्ट टाइम ये रिवाइज करने का, बहुत अच्छे से रिवाइज कर। पहला कौन सा है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, फिर अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर करंट लाइबिलिटी फर्स्ट, फिर ट्रेड पेबल, फिर अदर करंट लाइबिलिटीज, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इज दैट ओके? नीचे कौन है? हेमंत, अच्छा मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए नीचे, तू नीचे जा, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। नहीं, आप रहो कभी दोगे, वो गए। कहाँ तक पहुंच गए थे? असेट साइड में। असेट में पहला वाला कौन सा आएगा? नॉन करंट असेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी चार ब्रेकअप नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली सेकंड पॉइंट पर आएंगे। क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डीटीए डेफर्ड टैक्स असेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर नॉन करंट असेट, फिर करंट असेट। करंट असेट में पहला दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर
इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स, यस और नो? ये हो जाने के बाद में बेटा जी बैलेंस शीट की दोनों साइड टैली हो जाती है। इसके अंदर बेटा जी एक जो फॉर्मेट से वो आज हम फॉर्मेट्स लिख कर लेंगे। उस फॉर्मेट्स के अंदर पहला वाला कौन सा है? शेयर कैपिटल। फिर कौन सा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। कल वैसे मैंने शेयर कैपिटल के बारे में कुछ चीजें बताई थी आपको, उसके अंदर क्या था? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल इधर कोई नहीं बैठा क्या? इधर किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही तो यू कैन गो एंड सिट देयर इन केस यू हैव गॉट अ प्रॉब्लम। सो ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद में इशूड सब्सक्राइब, इशूड सब्सक्राइब के बाद में उसमें से लेस होगा कॉल्स इन अरियर्स। सो आपको क्या मिल जाता है? पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल विल गो इन टू द बैलेंस शीट आउटर कॉलम और उसके ऊपर ही डिविडेंड मिलेगा। इज दैट ओके? अच्छा, फेस वैल्यू पर शेयर कैपिटल हमेशा आएगा। इज दैट ओके? और भी कुछ डिस्क्लोजर होंगे जो मैं आज आपको समझाऊंगा। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितने भी टाइप के रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो लिखते हैं, उसका रिकंसिलेशन भी देते हैं। रिकंसिलेशन में क्या करते हैं? कुछ ऐड हुआ, कुछ लेस हुआ, वो सारी चीजें उधर ही देंगे। फिर कौन सा आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी में पैरा लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग इज क्लासिफाइड इंटू सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। वो डिस्क्लोजर कैसे होगा आज हम पढ़ेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद में फोर्थ आइटम होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद में डीटीएल। जनरली डीटीएल अभी इमीडिएटली आपको नहीं आएगा, आगे आएगा AS 22 में, तो उसकी चिंता नहीं करो। डीटीएल के बाद में नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सो कल मैंने बात करी थी, उसके अंदर ग्रेच्युटी फंड आएगा, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड आएगा, यस और नो? जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होंगे वो इधर आएंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट जो एम्प्लॉइज को देते हैं वो सारे प्रोविजन उधर आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पर क्या होता? अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर और कोई अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी तो वो उधर एडजस्ट हो जाएगी। हैप्पी राजा बेटा जी। अब जो लॉन्ग टर्म है वही चीज क्या बन जाती है? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर एक स्पेसिफिक क्रिटिकल एडजस्टमेंट थी, अगर आपको याद होगा तो, कि वो अमाउंट विच इज पेएबल विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? शॉर्ट टर्म बोरिंग। इज दैट ओके? करंट मैच्योरिटीज बोलते हैं ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। इंग्लिश में बोल के बताओ क्या बोलेंगे? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग विल बी शोन एज व्हाट? शॉर्ट टर्म बोरिंग। एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? हम कंपनी फाइनल अकाउंट पर इतना ध्यान, इतना प्रेशर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा होल्डिंग उस पर बनेगा, हमारा एमलगमिशन उस पर बनेगा, हमारा बायबैक टॉपिक उस पर बनेगा। मतलब जो मेजॉरिटी टॉपिक्स है वो पूरे के पूरे कंपनी फाइनल अकाउंट पर बेस्ड है। इस फॉर्मेट में हम थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं कर सकते, इसलिए अगर आज कुछ लिखा कर दे रहा हूं आपको, भले ही वो प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके पास होगा, फिर भी आपने लिखना चाहिए। और आपको ये भली बात ही समझ में आ गया होगा कि जब हमने P&L अकाउंट का फॉर्मेट लिखा था तो हमें वो चीजें आसान गई थी, यस और नो? तो कल मैंने P&L अकाउंट के फॉर्मेट को आपको याद करा दिया था अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम, जिसके अंदर कौन सी चीज कैसे क्लासिफाई होती है उस पर बात करी थी। आज हम किस पर बात करेंगे बेटा जी? बैलेंस शीट। और आज दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बैलेंस शीट पर। एक क्वेश्चन आज से होमवर्क भी शुरू होगा और फिर आगे की प्रोसेस जर्नी शुरू हो जाएगी। इज दैट ओके? सो धीरे धीरे हम बेसिक से कब हमारे मेन टॉपिक में उतर गए आपको आइडिया भी नहीं लगी और आप आसानी से आ भी गए। अब से होमवर्क हर रोज मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, हम पास और फेल कब होते हैं? अभी, आज। आप पास और फेल कभी एग्जाम में नहीं होते। एग्जाम के बाद में सिर्फ आपको रिजल्ट पता चलता है कि आप कितना पढ़ाई किए नहीं किए। तो अगर पास फेल से डर लगता है तो अभी पढ़ाई करो, बात खत्म। समझे नहीं समझे? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस बट बोलो क्या बोल रहे हो? ए छोरी, तो आंसर क्यों नहीं बोल रही थी? नलक उधर बाजू वाला, तेरा क्या था स्टोरी? हाँ तू ही मुर्गी? हाँ अरे तू मुर्गी है, तू मुर्गा है उधर। हाँ हाँ क्या, क्यों शादी में आया? इधर बराती है कि तू रहेगा नहीं रहेगा फिर भी शादी हो जाएगी? अरे एक्स्ट्रा नहीं बनने का लाइफ में किसी के। चलो आ जाओ इधर, शेयर कैपिटल लिखो। अभी आज हम क्या बना रहे? फॉर्मेट बनाने का एक बार कोशिश कर रहे। ए भाई तुमको ये मालूम है ना करंट ईयर और क्या प्रीवियस ईयर? तो पहले कॉलम किसका बनता है? करंट ईयर। फिर कॉलम किसका बनता है? प्रीवियस ईयर। तो झंडू के बाम जल्दी से लिखो। नोट वन, शेयर कैपिटल लिखो ना। ये तीजा इला काय केले रे शिमडे बना। ये नोट वन लिखो। ये इधर इड़ा हमचा इड़ा माद्या ये लिहून टाकले। जूम माय दिल गो जूम, जूम हो गया बेटा। जूम क्यों और जूम करू गुड़िया? जूम करू क्यों? हो गया ओके। शेयर कैपिटल पटापट 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 मैं डिक्टेट कर रहा हूं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये भाई वो क्या बोल रहे बच्चे? कोई लिंक नहीं है बोलकर।
हाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाला, लिंक में भी डाला है, मेन टेलीग्राम चैनल पर भी डाला है। और कहाँ चाहिए तेरे को अभी? ज्यादा लिंक मत कर रेडे। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ओके लिखा, अंडरलाइन करो, डॉट डॉट नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डैश रुपीज ईच, डॉट डॉट मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, डैश डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, ऑफ रुपीज डैश ईच मतलब इधर फेस वैल्यू आएगा, इधर नंबर्स आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, ओके। नेक्स्ट लिखो बेटा जी, बेटा जी मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, जनरली ऐसे लिखूंगा, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, लिखो हेडिंग नेक्स्ट उसके नीचे, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, लिखा इन द ब्रैकेट नीचे लिखो डैश डैश नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू, डैश डैश नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू, लिखा इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसमें से करो लेस, इधर मत देखो मैं जो बोल रहा हूं करो, लेस लेस, एक बार बताओ क्या लेस करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स, लेस करो कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स मतलब जो पैसा नहीं है, लेस कॉल्स इन अरियर्स, बेटा कॉल्स इन अरियर्स लेस करने के बाद में जो तुम्हें फिगर मिलेगा वो लिखो, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, लेस कॉल्स इन अरियर्स, फिर उसके बाद में जो आपको अमाउंट मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम, पेड अप शेयर कैपिटल। चलिए कुछ इसके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं, लिखे कुछ पॉइंट्स लिखे, पॉइंट नंबर वन, डिविडेंड वुड बी पेड, डिविडेंड वुड बी पेड, नहीं अभी पॉइंट्स लिख रहा हूं बेटा मैं, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर कैपिटल नाउ, पॉइंटर्स टू बी रिमेंबर्ड, सो दीज आर स्पेशल पॉइंट्स, सो हाउ यू गोना राइट डाउन, फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट हो गया, सो इधर नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसा लिखा हमने, और ये अभी हाँ समझ में, डिविडेंड वुड बी पेड ऑन विच अमाउंट, डिविडेंड वुड बी पेड, नो ऑन पेड अप शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू कैन बी 100 रुपीज बट पेड अप वैल्यू कैन बी 70 रुपीज, डिविडेंड वुड बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू, तो लिखो डिविडेंड वुड बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू, ठीक है लिखिए, अभी पहले लिख लेते फिर मैं बात करूंगा, इन केस, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इन केस शेयर्स आर इशूड, इन केस शेयर्स आर इशूड, इन केस शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन, इन केस शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड इन कैश, इन केस शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड इन कैश, सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, लिखे एग्जाम्पल, लिखे एग्जाम्पल बोनस शेयर्स, एग्जाम्पल बोनस शेयर्स, बेटा बोनस शेयर्स कैसे दिए जाते हैं, फ्री में दिए जाते हैं, बोनस शेयर्स कैसे दिए जाते हैं, फ्री में, तो अगर आप लाइन ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको मैंने क्या लिख कर दिया, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड इन कैश, मतलब जिसका पैसा कैश में नहीं मिला बट शेयर इशू किए, तो ऐसा कब हो सकता है जब बोनस शेयर दिए जाए, ऐसा कब हो सकता है जब बोनस शेयर दिए जाए, तो बेटा जी वो पॉइंट मैंने लिख कर दिया कि इसका सेपरेट डिस्क्लोजर आएगा। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल कौन सा लिखा, बोनस, सेकेंड एग्जाम्पल लिखे इसका, शेयर्स इशूड, शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज ऑफ, शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज ऑफ, शेयर इशूड इन एक्सचेंज ऑफ पीपीई, शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज ऑफ पीपीई, इसका मतलब क्या हुआ, पीपी लिया और उसके एवज में क्या दिया, शेयर, मतलब जो भी शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन इश्यू किए जाएंगे या कैश में नहीं मिला है तो उसका हम सेपरेट डिस्क्लोजर देते हैं। डू यू ऑल एग्री, पूरी क्लास को ये बात ध्यान रहेगी, मतलब ये डिस्क्लोजर ही अब एडवांस अकाउंट्स है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि शेयर कैपिटल वगैरह तो हम लिख लेंगे बट जिसके लिए पैसा नहीं मिला या कैश नहीं मिली कोई और दूसरी चीज मिली उसकी एवज में शेयर्स दिए तो हम क्या करेंगे बेटा जी, उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देंगे। पॉइंट क्लियर है?
किसी को कोई डाउट इसमें? पक्का? ऑलराइट, तो ऐसे और भी कुछ शेयर्स होंगे वो एग्जाम में माने अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताते रहूंगा। नाउ राइट डाउन द पॉइंट नंबर 2। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? ए नहीं, 3 नहीं, पॉइंट नंबर 2 अभी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेक्स्ट हेडिंग। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट टू। हाँ बेटा, कैसे बताऊं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्त, कैसे बताऊं, मैंने डिक्टेट किया है। ये फॉर्मेट क्यों देखना है पर बेटा, जब मैंने इसके बताया ही नहीं तो। अरे नहीं रे, ये कॉलम छोड़, ये जब बुक मिलेगी तब देख लेना, उसकी जरूरत नहीं है। तेरे को इतना मालूम है ना कि करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर रहेगा, बोले करंट ईयर और प्रीवियस ईयर रहेगा, ये मालूम है ना, तो उतना लिखना ही नहीं है। हाँ पड़ेगा बेटा, अभी हम नहीं बात कर रहे उसके बारे में, ठीक है। ये सुनो ना, अब मेरे को प्लीज भटकाओ मत, जिस चीज पर फोकस करना है उस पर फोकस करेंगे। प्लीज डोंट आस्क मी एनी सिली डाउट्स, और अगर पूछ रहे हो तो फिर इज्जत की परवाह मत करना, बिकॉज यू हैव टू आस्क मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज यू आर वेस्टिंग अदर्स टाइम ऑल्सो ना। यू हैव टू आस्क मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नहीं तो फिर तो क्या है कि तुम पैसा दिए हो मेरे को खरीद लिया, ऐसा काम नहीं चलता। जो चल रहा है वो उसके ऊपर बात करते हैं। अभी हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने का, अपन फॉर्मेट बना रहे हैं, फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर वी डिस्कसिंग व्हाट इज गोइंग टू गो इनटू द बैलेंस शीट, व्हाट इज नॉट गोइंग टू डू, बात करते हो। मैंने यही शुरुआत करी थी ना कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, ताकि हमारा बेस पक्का हो जाए और हम परफेक्टली आगे बढ़ जाए। और आज हमें 2-3 प्रॉब्लम्स और करनी है, आज से होमवर्क भी शुरू करना है। सो प्लीज डोंट आस्क मी एनी नॉनसेंस क्वेश्चंस। पॉइंट क्लियर? मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं अभी? ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आइटम जाएंगे ये कल हमने डिस्कस किया था, आज उसके बारे में लिख देते हैं। सो हेडिंग, अच्छा तुमको राइट साइड में क्या लिखना है, ये वाले कॉलम, ये कुछ नहीं करने का, ये मैं कराऊंगा प्रॉब्लम के साथ। फिगर्स बाद में करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी के लिए क्या क्या आइटम्स उधर आते हैं उसके बारे में एक आइडिया ले रहे हम। सो बेटा पहला लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग लिखो। पहला आइटम क्या आएगा बेटा जी? कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड अर्न इट, बहुत सही आंसर दिया, स्वेट इक्विटी शेयर, बिल्कुल सही, कैपिटल रिजर्व। ये गुड़िया पर्टिकुलर्स वगैरह मत लिखते बेट, नहीं, डायरेक्टली लिखने का, रिजर्व एंड सरप्लस और नीचे लिखते रहने का। कोई बच्चा पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिखेगा, ना एग्जाम में लिखेगा, ना इतना टाइम आपके पास होने वाला है, अभी से सही आदत लगाओ ना। आप लाइन मार पाओगे, आप लाइन सिर्फ बैलेंस शीट की बना पाओगे, किसी भी नोट की आप बैलेंस शीट के बाद में लाइन नहीं बना पाओगे, सिर्फ पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट, यू हैव टू ड्रॉ द लाइंस, बाकी का पर्टिकुलर रुपीज सब भूल जाओ, नहीं लिख पाओगे, यू विल नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम। अगर टाइम मिले तो बाद में कर लेना प्रैक्टिस, अभी के लिए नहीं करना है ना। सो कैपिटल रिजर्व। फिर सेकंड आइटम कौन सा है? सर मार्क्स मिलेंगे 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लो, मैं येड़ा नहीं है, मैं बहुत हुशियार है, मार्क्स मिलेंगे। अभी तुम्हारा पेपर कंप्लीट करना पहले मुख्य प्रायोरिटी है। दूसरा क्या है बेटा जी? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR बोलते उसको। नेक्स्ट यू कैन राइट डाउन रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व। नेक्स्ट लिखिए P&L अकाउंट, नेक्स्ट लिखिए P&L अकाउंट। और लास्ट आइटम लिखिए अदर रिजर्व्स, अदर रिजर्व जो स्पेसिफाइड नहीं वो अदर रिजर्व्स है, अदर रिजर्व्स, इज दैट ओके? सो बेटा जी ये किसके बारे में हमने आइडिया ली? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आपने एक बार अपने हाथ से नीचे निकाल दिया क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस में आइटम, इसके अलावा और कुछ रिजर्व्स हो सकते हैं? यस। अब इसके नीचे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, द आंसर इज नो, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखा कर दे रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। तो उसमें फर्स्ट आइटम लिखो रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस शुड बी गिवन, रिकंसिलेशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस शुड बी गिवन, रिकंसिलेशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस शुड बी गिवन। तुम्हारा नेक्स्ट प्रश्न होगा रिकंसिलेशन माने क्या? एड लेस, कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना इस बार एड हुआ, कितना लेस हुआ, कितना क्लोजिंग बैलेंस है। सो रिकंसिलेशन मीन्स एड लेस, इज दैट ओके?
reconciliation of reserves and surplus should be given. Write down second point. Dividend should be declared. Dividend should be declared from free reserve. Dividend should be declared from free reserve. डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम फ्री रिजर्व. मैंने अभी तक पढ़ा है नहीं, सिर्फ पॉइंट लिख कर दिया. ये पॉइंट हमारा आगे आएगा. राइट डाउन द थर्ड पॉइंट. डिविडेंड शुड बी यूटिलाइज, और क्या बोलते हैं, डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम व्हाट, फ्री रिजर्व. ये पॉइंट मैंने पढ़ा है नहीं. नाउ राइट डाउन द थर्ड पॉइंट. इन केस रिजर्व इज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, इन केस रिजर्व इज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, in case reserves and surplus is for specific purpose, utilize it for the same, utilize it for the same, utilize it for the same. Have you all done so far? Now write down the second heading, third heading, note number 3. I'm sorry, note 3. Long term borrowings. Happy? बेटा जी, long term borrowing में आप पहला आइटम लिखिए, secured, नहीं बाद में लिखेंगे पॉइंट, पहला लिखिए bonds and debentures. इन द ब्रैकेट लिखिए face value. Bonds और debenture किस पर आएंगे? Face value. Bonds and debenture, face value. Write down term loan. Term loans, underline करिए. From bank, term loan underline करिए. From bank, from other parties. Okay. Write down next. Loans from related parties. Loans from related parties. Write down next deposit. In the bracket likho interest bearing. अब interest bearing का मतलब क्या है? Deposits in the bracket क्या लिखा? Interest bearing मतलब जिस पर interest लगता है वो वाला deposit. तो अगर आपका एक स्कूल कॉलेज आपसे डिपॉजिट ले रही, वो डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस डिपॉजिट की बात कर रहा हूं जिस डिपॉजिट पर क्या लगता है? इंटरेस्ट. ओके, तो आपने क्या लिखा बेटा? हेडिंग डिपॉजिट, इन द ब्रैकेट क्या लिखा? इंटरेस्ट बियरिंग. ये काफी हो गया. इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे इसके, प्लीज. पॉइंट नंबर 1, बोरिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू secured and unsecured. Borrowings are classified into secured and unsecured. Borrowings are classified into secured and unsecured. Is that okay? Write down the next point. Current maturities of the borrowing. Current maturities of the borrowing are classified as short term borrowing. Do you copy this? All right, with this long term borrowing, write down the point number, note number 4. Long term provisions. Okay. Write down the first one. Employee benefit provision. Employee benefit provision like gratuity
प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड माने पीएफ, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, नीचे लिखिए अदर प्रोविजन, नीचे लिखिए अदर प्रोविजन, अदर प्रोविजन इज दैट ओके, इन द ब्रैकेट लिखिए नोट, इंपॉर्टेंट नोट, रेफर एएस 29, रेफर एएस 29, रेफर एएस 29 प्लस एएस 15 एक्सेट्रा, एएस 29 प्लस एएस 15 एक्सेट्रा, तब मैं इसके बारे में बात करूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कंपनी फाइनल अकाउंट से इतना कुछ टेंशन वाला काम नहीं है, बहुत रेयरली पूछा जाएगा और जहां पर होगा वो बता दिया जाएगा कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इज दैट ओके। आगे बढ़ते, हेडिंग लिखिए बेटा जी, अभी हम कहां पर आ गए, नोट नंबर 5। अच्छा डीटीएल का नोट बना गया, डीटीएल का जनरली नोट नहीं बनेगा क्योंकि डीटीएल एक आइटम होगा, डीटीएल का नोट नहीं बनेगा क्योंकि डीटीएल एक ही फिगर होगा। अरे याद करो ना, शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस, दो की तो बोर्ड बनी, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बनी क्या, यस, फिर नेक्स्ट कौन सा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का बना, और कौन सा बना, क्या आपने इसका बनाया क्या, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नो, क्योंकि बेटा जी अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज जो और कहीं फिट नहीं होगा वो कहां पे हो जाएगा, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड होगा, हैप्पी। और आपने और किसका नहीं बनाया, डीटीएल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का भी नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि वो एक सिंगल आइटम होगा, हैप्पी। गो टू द नेक्स्ट स्टेप बेटा, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लिखा शॉर्ट टर्म बोरिंग, लिख लीजिए सेम लाइक, मैं जो बोल रहा हूं वही लिखिए, सेम लाइक लॉन्ग टर्म बोरिंग, सेम लाइक लॉन्ग टर्म बोरिंग, सेम लाइक लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो फिर फर्क कहां पे हुआ, मतलब आइटम्स जो आपने पढ़े लॉन्ग टर्म बोरिंग में वही नीचे भी आएंगे, बट फर्क क्या है बेटा जी, इसका टेन्योर कितना है, ओके, सो इन द ब्रैकेट लिखिए सेम लाइक लॉन्ग टर्म बोरिंग विथ डिफरेंस दैट, विथ डिफरेंस दैट, विथ डिफरेंस दैट, वेरी गुड बेटा, हिप्पोपोटामस, विथ डिफरेंस दैट, काजीरंगा जा, विथ डिफरेंस दैट बोरिंग्स वुड बी पेड, विथ डिफरेंस दैट बोरिंग्स वुड बी पेड, बोरिंग्स वुड बी पेड, पेड व्हेन, विद इन वन ईयर, बोरिंग वुड बी पेड विद इन वन ईयर, हैप्पी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, और याद है क्या, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, सो शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट, कोई छोटा मोटा लोन हमने लिया वो, और शॉर्ट टर्म के लिए, और इसके अंदर और क्या है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ व्हाट, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डू यू ऑल एग्री, सो विद दिस बेटा जी शॉर्ट टर्म बोरिंग भी हुआ। नाउ ट्रेड पेबल, इन द ब्रैकेट लिखी है रिसेंट अमेंडमेंट इन 2021, आप 2023 में हो बट अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया, तो आपके लिए ये अमेंडमेंट ही मानकर चलना और इस पर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं है। सो लिखिए ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ओके, और इन द ब्रैकेट लिखिए अमेंडमेंट, कब आया अमेंडमेंट, 2021, बट अभी तक एग्जाम में चेक नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, तो ये टेस्टिंग आप पर होगी, तो 2021 में आया, पहले कॉर्पोरेट्स लोगों ने इंप्लीमेंट किया, अब जब वो कॉर्पोरेट्स लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया, अब वो धीरे धीरे अपने बुक्स में भी आएगा। सो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या हुआ था कोरोना काल में जिसकी वजह से आपको इसका बैकग्राउंड मिलेगा, कोरोना काल में लोगों ने पेमेंट नहीं किए ट्रेड पेबल के, जिसके वजह से फाइनेंस का साइकिल ब्रेक हो गया। फाइनेंस का साइकिल कैसे ब्रेक होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आदमी हूं, मेरे पास पैसा है बट मैं मेरे ट्रेड पेबल को भुगतान नहीं कर रहा हूं, जब ट्रेड पेबल को पैसा नहीं मिलता है तो ट्रेड पेबल आगे पेमेंट नहीं कर पा रहा है, सो फ्लो ऑफ मनी साइकिल ही ब्रेक हो गया। आप लोगों को, कई सारे लोगों को यह बात पता चली होगी कि जिनका पापा मम्मी का व्यवसाय है एक स्पेसिफिक फील्ड में, तो उधर उनके पैसे अटक गए, अटक गए तो क्रेडिट फ्लो ही पूरा अटक गया। सो बेटा जी ये चीज गवर्नमेंट के ध्यान में आया, तो गवर्नमेंट ने फिर यह मैंडेटरी बनाया, पहले ट्रेड पेबल एक सिंगल फिगर जाता था, सो शेड्यूल 3 में मैंडेटरी किया गया कि कौन सी कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है, तो अब पता कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा कि ट्रेड पेबल का ब्रेकअप दो,
कैसे ब्रेकअप दो कि भाई जो छोटे मध्यम वर्ग एमएसएमईज है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस है, उनका पेमेंट का ब्रेकअप दो कि कौन सा पेमेंट आपका एक से छह महीने पुराना है, मतलब आपने छह महीने में पेमेंट अभी तक नहीं किया, कौन सा एक से दो साल पुराना है, कौन सा उससे ज्यादा पुराना है, मतलब ये पता चलता कि भाई साहब इन्होंने पेमेंट नहीं किया। और ये कौन ऑडिट करेगा? सीए। तो सीए को ये डिस्क्लोजर देख चेक करना जरूरी हो गया। अब इस डिस्क्लोजर से आप मुझे खुद बताइए कि क्या ये इजी है कि नहीं है। क्या लिखा है देखो, आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन ड्यू डेट थी पेमेंट की उस समय से कितने दिन तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, ऐसे कितने क्रेडिटर है जिसका आउटस्टैंडिंग ड्यूज है एक साल से कम का, या एक से दो साल का, या दो से तीन साल का, या मोर देन थ्री इयर्स एंड टोटल। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट फर्स्ट। ऐसा कोई किसी का दोस्त है यहां पर जिसने उसके पैसे पिछले दो तीन साल से नहीं दिए? खड़े होके बता भाई क्या हुआ तेरे साथ, तेरा दुखड़ा गा एक बार। हाँ माइक देगा उसको, ए जल्दी से देना माइक। ये जल्दी जल्दी से माइक दे, ये तो अविनाश है ना। हाँ तू मिलने नहीं आया मेरे को, कितनी याद है मेरे को अभी तेरी। नको नको ऐसे मत आ तू, लोग कुछ अलग समझेंगे। हाँ किसको लोन दिया था पहले बता, लड़की थी लड़का था? पहले तो वहां फेल हो गया तू। हाँ लड़के को लोन दिया, कितने रुपए दिए? 9-10 हजार। कब दिए थे? कोविड के टाइम पे। कब? कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। कुछ भी नहीं? नहीं। सो तेरे को पैसे नहीं मिले, कितने साल हो गए बेटा पैसे नहीं मिले? 3 साल हो गए सर। तो इसको क्या बोलेंगे? मोर देन थ्री इयर्स। 2020 में पैसे दिए, अभी हम 2023 में है, जिस दिन ड्यू डेट थी उस ड्यू डेट के बाद में 3 साल तक पैसे नहीं दिए, तो बेटा जी ये किस में क्लासिफाई होगा? मोर देन थ्री इयर्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे बच्चे के लिए अभी पैसा दिया है क्या? ये मतलब एक मान लो 2-4 महीने में। हाँ कितने के पैसे दिए? इधर इसको माइक, तुमने किसको दिए? ये बॉयज ही देते क्या पैसे, गर्ल्स नहीं देती क्या? व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज दिस? अच्छा पूछ रहा हूँ। हाँ भाई बोल सर। 2000 दिए दोस्त को। 2000 किसको दिए? दोस्त को। कितने दिन पहले दिए? एक महीना हुआ। एक महीना पहले इसने पैसे दिया था, यस और नो? तो इसको क्या बोलेंगे बेटा जी हम? लेस देन वन ईयर। अब तुम्हें क्लासिफाई समझ में आएगा? मतलब अगर हमारे पास लोन से, सॉरी लोन्स नहीं, ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल किससे क्रिएट होता है? गुड्स से। सो वो जो ट्रेड पेबल कितने दिनों से पेमेंट नहीं हुआ उसका ब्रेकअप कैसे देना है हमें? लेस देन वन ईयर। फिर दूसरा वाला कौन सा आएगा? 1-2 ईयर्स। फिर कौन सा आएगा? 2-3 ईयर्स। मोर देन 3 ईयर्स, यस और नो? और टोटल मुझे नहीं समझा। पहले लेस देन, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे तू, क्या हो गया? हाँ एसी एक को ठंडा चाहिए, एक को गर्म चाहिए। अच्छा तो फिर तू क्यों कंफ्यूज हो रहा है? वो दोनों मैनेज करेंगे, एक को ठंडा एक को गर्म। यार प्लीज मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो। मैं क्या करूँ यार, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठू क्या? जिसको गर्म चाहिए वो कौन है? मैं गुड़िया। सुन बराबर है, बट एसी ठंडा ही करता है। अब हम उसको, अरे मतलब तुम एसी को कैसे चेंज कर दोगे यार? मतलब ये गुड़िया देखो, सुनने में गाना अच्छा लगता है, सांस में सांस मिली तो मुझे सांस आई, रियल लाइफ में इट ओनली लीड्स टू सफोकेशन, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अबे एसी बंद करेगा, तेरे को इधर ठंडी लग रहा है, तू नीचे बैठी है, वो उधर बिजारी देख पसीना आ रहा है उसको, मजा कर रहा हूँ, तू क्यों सीरियसली ले? प्लीज समझ में आ रही क्या बात? जिसको एसी के नीचे बैठने का, शॉल ऑल लेके आने का, जर्किन अर्किन लेके आने का, बैठने का आराम से इधर। यार खोटी मत किया करो टाइम, कहाँ पे थे अपन? ट्रेड पेबल। सो बेटा ट्रेड पेबल का ब्रेकअप बता दो। लेस देन 1-2, 2-2, मोर देन टोटल। ओके अभी क्रेडिटर्स को क्लासिफाई करते हैं, जैसे इस क्लास को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? बॉयज गर्ल्स बेस्ट है। फिर दूसरा नलायक, 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 महानलायक, अलग अलग क्लासिफाई। सो क्रेडिटर्स का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, एक क्रेडिटर जो बड़ा क्रेडिटर है और एक जो छोटे छोटे क्रेडिटर है, छोटे छोटे मतलब एमएसएमईज। यस सर, अभी जैसे मैं वड़ा पाव खाऊंगा किसे खाऊंगा? क्या बोला ये?
चल मैं मुंह से खाऊंगा, तू कहां से खाता है? मतलब जब कोई व्यक्ति बोल रहा है मुंह से खाएगा तो और एक ऑप्शन होगा कहीं, तो अब हमें पता नहीं, मेजोरिटी को नहीं पता हमें। यार क्या हुआ, यादगिरी चल रही है। मैं आपको ये समझा रहा था कि मेरे यहाँ पर जब कोई ऑफिस में चाय आती है, कॉफी आती है, वड़ा पाव आता है, तो मेरा कहीं खाता चलता है। खाता समझते हो तुम? सो वो जो खाता चलता है, तो कोई एक नीचे एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या नाम है उसका, रामभाऊ। हाँ, सो रामभाऊ के यहाँ पर अकाउंट चलता है, उनका छोटा सा ठेला है, वहाँ से चीज़ें आती है। तुम्हें बात समझ में ही, मैं बता रहा था वो क्रेडिटर जो है ना, वो एमएसएमईज इस कैटेगरी में, छोटे क्रेडिटर्स में आएंगे। बट मेरी बुक्स भी प्रिंट होके आती है जिनको मैं पैसा देता हूँ, राइट? और वो भी ट्रेड पेएबल ही है मेरे। बट जब मैं उनको पैसा देता हूँ तो राजा बेटा जी, वो बड़े व्यक्ति बड़े लेवल पर काम करते हैं, उनका भोपाल में फैक्ट्री है पूरा का पूरा। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हमने क्या किया, एमएसएमईज का मतलब क्या, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एग्रीड? सो एमएसएमई और अदर। बट एमएसएमई के साथ झगड़ा हो सकता है क्या आपका? जैसे दोस्तों के साथ झगड़ा होता है ना कई बार, कि अरे मैंने तेरे को पैसा दिया था, तुम बोलते हो नहीं दिया था। ऐसे किसके झगड़े चल रहे कि तुम पैसा मांग रहे हो और सामने वाला ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं दूंगा, बट वो बोल रहा कि नहीं मैंने दे दिया। तुम्हारे साथ ही हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, तो 2 साल पहले पैसे दिए थे, अब बोल रहा कि मेरा कोई ड्यू नहीं है। ऐसा तुम्हारे साथ इधर कुछ होता है किसी के साथ? बेस्ट है। नीचे किसी के साथ कुछ हुआ? ठीक है। तो बेटा जी, कुल मिलाकर एक होता है डिस्प्यूटेड, मतलब पैसा क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है। मतलब जिस क्वालिटी का माल आना चाहिए था नहीं आया, जो रेट है वो रेट बराबर से नहीं आई, डिस्प्यूटेड बोलते हैं उसको। तो हमने पेमेंट क्यों नहीं करा, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है। सो एमएसएमई इज डिस्प्यूटेड एंड डिस्प्यूटेड अदर्स। ए, ये तो याद हो गया यार, बैठे बैठे हंसते खेलते। चलो फील करते, पर्टिकुलर्स, क्रेडिटर्स लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years, greater than 3 years, total, इधर MSME, other, MSME disputed, disputed मतलब fight, और others disputed, best है, लिखते, तोबड़ा नको देखो, जल्दी लिखो, इसमें amendment होता, क्या बेटा format बनाना ऐसा पूछ रहे हो, और कौन सा तरीका है? तो फिर बनाना है शायद, मतलब मैं पूछ रहा हूं चॉइस कौन सा है। और एक सर, संतोष भैया नहीं आए क्या आज? संतोष की तबीयत ठीक नहीं, संतोष भैया का फैन, अरे वाह। तू पहले बस इतनी बात है, तू मेल है कि फीमेल है, मैं उसको बताना चाहूंगा आज। ये सही में देख, तेरे को ईड़ा लग रहा है, क्या लिखा है उसने, उसका नाम संतोष भैया का फैन, तो उसने 40 रुपए पेड़ किए थे। अरे पैसे ऐसे मत डाला करो रे, उसको नहीं मिलते। क्यों डाल रहे हो उसका? मैं तुमको जीपे देता हूँ, तुमको भी मजा आएगी। लिखो लिखो, ट्रेड पेबल, पर्टिकुलर्स और फिर आउटस्टैंडिंग फॉर, पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग फॉर, फिर अभी ये लिख पाओगे? आउटस्टैंडिंग फॉर इतना ही लिख दो, फिर क्या लिखोगे? लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, फिर 1 to 2 years, फिर 2 to 3 years, 2 to 3 years, फिर मोर देन 3 ईयर्स, और टोटल। ओके गुड, मोर देन 3 ईयर्स टोटल। लेफ्ट के साइड में लिखो माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME। भारत सरकार का अभी पूरा का पूरा जोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का MSMEs पर है। MSMEs को बहुत जोरदार बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे चाइना में दिया गया, हर घर निर्माण करने के लिए उनको लोन दिए जा रहे हैं, इस पर काफी काम हो रहा है। तो आपको भी इस चीज के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि MSMEs के डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो मतलब एकदम छोटे, स्मॉल मतलब माइक्रो से बड़े, मीडियम मतलब उससे बड़े, और ये सारे डिस्क्लोजर्स आपको या उसके डेफिनेशंस कहां पढ़ाए जाएंगे? कंपनीज एक्ट में, MSME, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखेंगे? अदर्स, फिर क्या लिखोगे? MSME डिस्प्यूटेड और अदर्स डिस्प्यूटेड।
इफ यू अलाउ मी शैल वी गो अहेड, ये हो गया बेटा लिखकर. नाउ राइट डाउन द अदर हेडिंग, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज. लिखिए हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटीज में, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू डिजास्टर, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू डिजास्टर, डिजास्टर मत लिखना तुम्हारे लिए, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू. दूसरा लिखिए इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इसके बारे में कल चर्चा हो चुकी थी. इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू एंड इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू, ये सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट लिखिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. फिर नेक्स्ट अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड. आर वी ऑल डन सो फार? सो ठीक है, खत्म किया ये. अभी निकले नेक्स्ट, ये कौन सी नोट बन रही है अभी, है आठ लिख, अभी एट्थ बनेगी ना, एट लिख दी. अरे सेवेंथ बन रही, सेवेंथ बना यार, गलती हो गई मेरे से, जो बन रही हो बना दो. शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, पहला वाला लिखिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. फिर नेक्स्ट प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट. एंड लास्ट वन अदर्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड लास्ट वन इज अदर्स. सांस लो, कितने प्यारे लगते हो तुम्हें, आइडिया भी है कुछ. हाँ अभी कौन सा है, असेट, तुम्हारी बात चल रही है, है? कौन सी एसेट है, टेंजिबल, फिर इनटेंजिबल, CWIP और इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट. उसमें हम बात करेंगे टेंजिबल और इनटेंजिबल और दोनों एक साथ बात करेंगे. टेंजिबल के एग्जाम्पल बता दो, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, बिल्डिंग, हाँ नहीं. अच्छा इंटेंजिबल के एग्जाम्पल, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह वगैरह. अभी सुन लो, उसका पहले होता है कॉस्ट, क्या होता है कॉस्ट, फिर क्या होता है डेप्रिसिएशन. अरे तू येड़ा है क्या, ये मास्क लेके आ रहे, वो मास्क लेके आओ. हाँ अभी पिटा पिना के बिठाऊंगा इधर, गधे के मास्क है हमारे पास, मी गाढ़ा हुआ है. अरे एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, येड़ा है क्या तू, मास्क लेके बैठेगा. हाँ और क्लास में बैठना पड़ता है, अभी टैग करेंगे आज तेरे को इंस्टाग्राम पर. अरे काजीरंगा हिप्पोपोटामस, यू डोंट नो व्हाट इज दैट. सो आई विल टेल यू द स्टोरी. सो वंस आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई एम सीइंग दिस. सो आई वेंट टू काजीरंगा एंड आई सॉ हिप्पोपोटामस एंड ब्लडी डैम शिट दैट हिप्पोपोटामस डिड नथिंग ग्रेट, ही जस्ट योन्ड. मतलब हैंडी में इतनी दूर से इसको देखने आया हूं, मतलब तुम कभी जाकर देख, मतलब मेरे को अब समझ में नहीं आता, मतलब होगा कुछ लोग जाते हैं जू में, मैं क्यों जा रहा हूं नंगे जानवरों को देखने के लिए. आई गो एंड वॉच देम, आई डोंट नो, आई वेंट टू दुबई गए, जानवर क्यों देखूं यार, बट एनी विच वे, और वो भी बंद है, थोड़ा सा डर भी लगे शेर पीछे से फट जाए, उसमें मजा भी है, इसमें कोई मजा भी नहीं आ रहा है. उधर बैठा मैं इधर बैठा देख रहा हूं उसको, कुछ बच्चे उसको हाई कर रहे. सुनो अभी मेरी बात, टेंजिबल में पहला क्या आएगा राजा बेटा जी, कॉस्ट, कॉस्ट के बाद में राजा बेटा जी नेक्स्ट आएगा आपका डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, और लास्ट में आएगा WDV. पहले मुझे लगता है कि कॉमन सेंस तो तुम्हारे पास होगा, तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेस, फिर आपका क्या आ जाता है WDV. अब इसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, बट जो फॉर्मेट मैं फॉलो करने वाला हूं वो आपको मेरे साथ लिखना है. अच्छा ये किसके किसके लिए कर रहे हैं, टेंजिबल एज वेल एज
आवाज नहीं आ रही। अच्छा गुस्सा नको ना प्लीज। टैंजिबल असेट्स पहला, ये मेरी थोड़ा सा फॉर्मेट्स वीक है मेरा, तो तुम पहले दो मिनट रुक जाओगे क्या? ये पर्टिकुलर्स, ये कॉस्ट, मैंने बोला था ना मेरा फॉर्मेट बूम्बा बूम्बे, और जो पहले कर देगा मैं पहले बोल रहा हूं फंसे तो मेरा नाम मत लेना। सो पहले मैं इधर लिखूंगा ओसी कॉस्ट, इधर मैं लिखूंगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, और इधर मैं लिखूंगा डब्ल्यू का डीवी। अब इधर पहले आएगा ओपनिंग, फिर इधर आएगा एडिशन, फिर इधर आएगा डिडक्शन, और इधर आएगा क्लोजिंग, फिर इधर आएगा ओपनिंग, इधर आएगा एडिशन, इधर आएगा डिडक्शन, इधर आएगा क्लोजिंग। अच्छा एडिशन और डिडक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, इधर उधर, और फिर राजा बेटा जी इसके नंबरिंग दे देंगे हम कुछ इस तरीके से। वन टू थ्री फोर, और ये सुन, फाइव इज इक्वल टू टू प्लस थ्री माइनस फोर, हाँ सिक्स सेवन एट, नाइन इज इक्वल टू सेवन माइनस एट, एंड टेन इज इक्वल टू फाइव माइनस नाइन। ओ कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा लेस, समझे? ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस माइनस होगा। निकालो गोरिल्ला इधर। अब इधर बेटा जी पहला खुश हो रहा है बच्चा, बिल्डिंग पहन कर बैठो सर थोड़ी देर अभी, अरे पहनना पड़ता है अपनी क्लास में। ए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तेरे को पूछ कौन रहा है, तेरे को बताया जा रहा है, पहन जल्दी से ना। इस क्लास में हमेशा बच्चे पहनते हैं, पहनो अभी। अबे पहन यार, सड़ा मत मेरे को यार, और काम है। हाँ अबे तू यार एक पहनो 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 पहनो, अच्छे क्यूट लगोगे। ए भाई पहन कर बैठ, तू येड़ा है क्या? एक पांच मिनट पहन कर बैठना पड़ता है, जल्दी से। अच्छा तुमको देखना है, मैं दिखा रहा हूं। तो अभी तुम थोबड़ा मत खोल देना, नहीं तो सबको थोबड़ा दिख जाएगा अभी। प्लीज डोंट डू दैट। ए कैमरा किधर है अपना? ए इधर देख, ऊपर ऊपर देख, अरे ऊपर देख ना। ये तुमको और एक बता दूंगा ऑनलाइन वाले, ये देखो इधर जो बैठा ना, ये चेन्नई एक्सप्रेस में था, देखो उसका छोटा भाई है। कितना खुश हो रहा, आके बस झलक रहे। ओ भाई ये लिख दिया है क्या अभी? सो मुझे फॉर्मेट नहीं समझा, बताओ टेंजिबल का क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, फिर कॉस्ट, फिर एक्यूमुलेटेड, और फिर डब्ल्यूडीवी। अब जो कॉस्ट है उसके चार है, पहले ओपनिंग, फिर एडिशन, फिर डिडक्शन, फिर क्लोजिंग, फिर डब्ल्यू ए क्या बोलते हैं एक्यूमुलेटेड में, ओपनिंग फिर एडिशन फिर डिडक्शन फिर क्लोजिंग, फिर जो टोटल कॉस्ट है उसमें से टोटल एक्यूमुलेटेड लेस होगी तो हमें क्या मिल जाएगा? डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बुक वैल्यू, बीवी। हाँ बिल्डिंग, वैसे और क्या क्या लिखेंगे? प्लांट एंड मशीनरी, फिर और क्या क्या लिखेंगे? फर्नीचर, फिर कंप्यूटर, व्हीकल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिख लो ये खत्म करो। इधर मैंने आगे एक्सेट्रा लिख दिया, अरे लिखना, उसकी गलती क्या थी? वो मुंह खोल रहा था तो आज हमने संभाल लिया। मेरे क्लास में तुम मस्ती कर सकते हो, सड़े हुए नहीं बैठ सकते। यू कैन नॉट बी डल डम्ब, ना एकदम एक्टिव चाहिए। ये ले ले रहे उसे अभी वापस, अभी नहीं होएगा बेटा तेरे से वो काम। और तुमको मैं एक और बात बता दूं, बहुत डेंजर डेंजर है, लड़कियों के लिए अलग है, लड़कियों वाला दिखा रहे, और इधर अपने इधर बॉयज गर्ल्स में कोई भेदभाव नहीं होता, नो जेंडर इनइक्वालिटी है। और लड़कियों के ऐसे ऐसे है, और वो भूतनी वाला कहा है, भूतनी वाला, वो भूतनी वाला, भूतनी, अरे भूतनी वाला, ये लड़कियों के लिए है।
ले भाई ले, लिखो जल्दी से। सर थोड़ा सा फास्ट करो ना, बहुत फास्ट हो रहा है। अरे यार तुम क्या बेशरम हो क्या रे? आज पांचवा दिन है पागल। राम 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 राम। चले ऑलराइट। अब बेटा जी टेंजिबल और इनटेंजिबल का मैंने एक साथ ही बता दिया। शैल आई प्रोसीड नाउ? रसगुल्ले बच्चों आगे आ जाओ। और इनटेंजिबल का भी हम नहीं लिख रहे। अब लिखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वही क्या क्लासिफाई हो जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट भी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख बाबू। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन द ब्रैकेट लिखो AS 13। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन द ब्रैकेट लिखो AS 13। फर्स्ट वन लिखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, किसी के पापा को प्रॉपर्टी से रेंट आता है क्या? आता है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो यूज नहीं कर रहे ना, बिजनेस के लिए यूज कर रहे, उससे वो क्या आमदनी कमा रहे? रेंट। So, उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जब वही प्रॉपर्टी हम खुद के लिए यूज करते हैं तब हम उसको बोलते हैं बेटा जी बिल्डिंग। तब वो जाता है पीपीई में, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है। नहीं समझे? अभी फॉर एग्जांपल मेरा ऑफिस है, मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूं, तो वो बन गया मेरा बिल्डिंग। बट अगर मेरे पास और दो तीन ऑफिस है जो मैंने क्या किया रेंट पर दिए, तो दैट आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर माई बिजनेस। सो देन दैट बिकम्स वॉट? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यस और नो? जिससे मेरा मकसद बिजनेस करना नहीं है, उससे मेरा मकसद रेंट कमाना है। एग्रीड? रेंट और एप्रिसिएशन कमाना अगर वो मकसद है, सो इट बिकम्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। AS 13 में और विस्तार से चर्चा होगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बाद में नेक्स्ट लिखे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब इक्विटी शेयर। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, बराबर है? राइट डाउन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन प्रिफरेंस शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन प्रिफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रिफरेंस शेयर्स किसका? नहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लिख रहा हूं रे भाई, हो गया ना उसका एग्जाम्पल। अभी फॉर एग्जाम्पल बोलूंगा ना यार आगे, फिर एग्जाम्पल कैसे होगा? हाँ, इन्वेस्टमेंट इन प्रिफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट लिखिए बेटा जी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर और बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। बस हो गया। आगे लिखते हैं राजा बेटा जी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखा। पहला वाला आइटम लिखे उसमें लोन्स एंड एडवांस। लोन्स एंड एडवांस,
टू रिलेटेड पार्टी, लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज, लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज. नेक्स्ट अदर लोन्स, अदर लोन्स इन द ब्रैकेट लिखिए, लोन्स एंड एडवांस अदर लोन्स के बाद में नीचे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट. लोन्स एंड एडवांस विल बी क्लासिफाइड एज, लोन्स एंड एडवांस विल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, लोन्स एंड एडवांस विल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. वो ऑरेंज को पकड़ रहे, उसको भी दे मास्क. सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, उसको उसको दूसरा दे कोई तो. लोन्स एंड एडवांस विल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. समझ गए? ओके, गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग. अदर नॉन करंट असेट, लिखो हेडिंग अदर. हाँ भेजना तू, लेगा वो बराबर लेगा. हाँ अदर नॉन करंट असेट, उसने खुद मांगा. अदर नॉन करंट असेट हेडिंग लिखो, अदर नॉन करंट असेट. बेटा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा रहा हूं. लिखो सिक्योरिटी डिपॉजिट, लिखे ए डेढ़ हुशारी नहीं पहनो. हाँ ए प्लीज, डेढ़ हुशारी नहीं है सच बोलने का, और चश्मे के अंदर पहन, कोई दिक्कत नहीं है. लिखिए नेक्स्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट, लिखा गया सिक्योरिटी डिपॉजिट. बी क्विक है, थोड़ा सा जल्दी खत्म कर दे. सिक्योरिटी डिपॉजिट लिख दिया, काफी है. नेक्स्ट आ जाओ करंट इन्वेस्टमेंट. बेटा जितना जरूरी है मैं उतना बता रहा हूं, आप टेंशन नहीं लेना, है ना. फिर कौन सा लिखा? करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट बेटा जी लिख दीजिए. सेम लाइक व्हाट? सेम लाइक नॉन करंट, सेम लाइक नॉन करंट. क्या डिफरेंस है? विद द डिफरेंस दैट टेन्योर इज फॉर लेस देन वन ईयर, विद द डिफरेंस दैट टेन्योर इज फॉर लेस देन वन ईयर, टेन्योर इज फॉर लेस देन वन ईयर. हैप्पी झंडू के बाम. अगला नोट, अगला नोट इन्वेंट्रीज, और लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंट्रीज. विद द डिफरेंस दैट टेन ईयर इज लेस देन वन ईयर. टू पीस समझा? ओके बेस्ट बेटा. अगला इन्वेंट्रीज. बेटा इन्वेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है. चार इन्वेंट्रीज आपको ऑलरेडी पता है, कुछ इन्वेंट्रीज अभी पता चलेगी. चार इन्वेंट्रीज में पहला वाला नाम सुन लीजिए. आपको रॉ मटेरियल पता है, आपको वर्क इन प्रोग्रेस पता है, आपको फिनिश गुड्स पता है, आपको स्टॉक इन ट्रेड पता है. एक दो तीन चार, ये पता है. गुड्स इन ट्रांजिट, बेटा जी क्या है कि माल हमने खरीदी किया है बट अभी तक पहुंचा नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट या स्टॉक इन ट्रांजिट, ये भी पता चल गया. नाउ नेक्स्ट स्टोर्स एंड सप्लाईज. तो बेटा जी जब आप कोई एसपीसी में जाते हो तब एसपीसी में आपको क्या देखने को मिलता है कि स्टोर्स एंड सप्लाईज. स्टेशनरी का स्टोर्स रहेगा, सप्लाईज रहेगा, वॉशरूम के लिए स्टोर्स एंड सप्लाईज रहेगी, राइट. गुरुकुल में कितने बच्चे रहते हैं? सो गुरुकुल में वहां जाने का क्लासरूम जहां पे है वहां पे राइट साइड में एक सीढ़ी आ जाती है, उसको ऐसे खोलकर देखने का, वहां पर तुमको दिखेगा. खोलकर नहीं देखने को मिलेगा, उधर कांच में से देखने का, तो वहां पर स्टोर्स लिखा हुआ है. और वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर झाड़ू है, वहां पर पोछे के लिए कपड़े है, बकेट्स है, राइट, वहां पर हार्पिक है और भी बहुत सारी चीजें. तो वो क्या है बेटा जी? स्टोर्स एंड सप्लाईज. सो बेटा आपको अभी आइटम छोटे लग रहे हैं बट जब आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में जाओगे जहां पर चीजें मेंटेन होते, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू अ मॉल, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो हर चीज पूरी व्यवस्थित मेंटेन्ड होती है. सो बेटा जाहिर सी बात है उनको उस मेंटेनेंस के लिए स्टोर्स एंड सप्लाईज लगते हैं. इसके अलावा और एक आइटम होता है लूज टूल्स. लूज टूल्स बेटा जी हमें AS10 और AS2 में पढ़ना पड़ेगा बट अभी के लिए मैं बता दूं, लूज टूल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू एरियाज. इट कैन बी ऑल्सो पीपी, इट कैन ऑल्सो बी इन्वेंट्री. बोलो क्या हो सकता है लूज टूल्स? पीपी एंड वो पीपी में कब जाएगा और वो इन्वेंट्री में कब जाएगा ये हम पढ़ेंगे कहां पर? AS2 और AS10. सर अभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी कोई टेंशन नहीं है बेटा जी, हम अजम्पशन के बेसिस पर काम करेंगे या हमें एग्जामिनर बताएगा कि लूज टूल्स कहां पे जाएंगे. सो अब मुझे इन्वेंट्रीज आप याद करके बता दो कितना आएगा. पहला रॉ मटेरियल, फिर नहीं रॉ मटेरियल का चलते है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर स्टॉक इन ट्रेड, फिर गुड्स इन ट्रांजिट, ये पांच हो गए. फिर स्टोर्स एंड सप्लाईज, फिर लूज टूल्स. लूज टूल्स एक नहीं दो जगह जा सकता है. कहां? पीपी में भी जा सकता है या इन्वेंट्री में भी. यस
थोबड़ा किसका देख रहे हो, लिखो इन्वेंट्री, लिखना इन्वेंट्रीज, पहला वाला रॉ मटेरियल, फिर दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स। वेरी गुड बेटा, फिनिश गुड्स के बाद में स्टॉक इन ट्रेड, फिर गुड्स इन ट्रांजिट, ले रहे उसे भी, गुड्स इन ट्रांजिट, फिर लूज टूल्स, लूज टूल्स, फिर लूज टूल्स बेटा जी इन द ब्रैकेट लिखो, कैन बी क्लासिफाइड एज पीपी ऑल्सो, कैन बी क्लासिफाइड एज पीपी ऑल्सो, कैन बी क्लासिफाइड एज पीपी ऑल्सो। बेटा और कौन सा आइटम रखे, लूज टूल्स लिख दिया, और स्टोर्स एंड सप्लाईज, स्टोर्स एंड सप्लाईज, हैव यू रिटन इट, सर लूज टूल्स दोनों में कैसे जा सकते हैं बता दो। बेटा मैंने अभी नहीं बताया, मैंने बताया AS10 और AS2 में बताऊंगा मैं, अभी कैसे बता दूं AS10 का पूरा स्टोरी, इधर मैं कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ा रहा हूं तो आपको शांति रखना पड़ेगा, उधर आपको पता चलेगा, बट इतना अभी पता चलना चाहिए कि लूज टूल्स एक नहीं दोनों जगह जा सकता है, इट कैन बी पीपी एंड इट कैन बी इन्वेंट्री ऑल्सो। अभी हमारे कंपनी फाइनल अकाउंट में इतना कोई मसला नहीं है, हमको आइडिया लग जाएगी क्योंकि एग्जामिनर खुद बता देगा। से यस, गुड, आगे आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमको इसमें टेंशन नहीं हुआ क्या, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, तुमको कैसे पता चलेगा, तो एग्जामिनर बोलेगा ना, वैसा एग्जामिनर इसके बारे में भी बोलेगा, ठीक है मत मानो मेरी बात। अगला आ जाओ, तुम्हारी जैसी ट्रेड रिसीवेबल, ए रसगुल्ले, ट्रेड रिसीवेबल में सबसे बड़ा मसला होता है, लोचा होता है। देखो माल बेच दिया जाता है अपनी सिस्टर कंसर्न को, या माल बेच दिया जाता है डायरेक्टर की कंपनी को, और वहां से पैसा आता ही नहीं। सो हमें ट्रेड रिसीवेबल को क्लासिफाई करना पड़ता है कि ऐसा कितना पैसा है जो रिलेटेड पार्टी से आया नहीं है, और उसका एजिंग करना पड़ता है, जैसे हमने क्रेडिटर का किया। सो एजिंग का मतलब क्या, पेबल में क्या है कि किसको पेमेंट नहीं किया, ट्रेड रिसीवेबल किससे पेमेंट नहीं आया और कितने दिनों से नहीं आया। सो राजा बेटा जी इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, 1 to 6 months, 6 months to 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, more than 3 years, on total, ये भेंडी उसमें कैसा था, less than 1 year, 1 to 2, 2 to 3, more than 3, total, इधर सिर्फ 6 months, 0 to 6 months, फिर next 6 to 1 year, फिर 1 to 2 years, 2 to 3 years, more than 3 years, total, और left hand side में क्या क्या है, undisputed trade receivable considered good and undisputed trade receivable considered doubtful, और याद है ना RDD less करते, फिर disputed trade receivable considered good and disputed trade receivable considered doubtful, इसके नीचे और हमें classification करना पड़ता है, trade receivable due from related parties, related parties मतलब हमने माल बेचा, किसको बेचा, हमारी किसी सब्सिडरी कंपनी को, या हमने किसको बेचा, डायरेक्टर्स के कंपनी को, तो हमको बताना पड़ेगा कि कितना पैसा नहीं आया। से यस, सो चलिए लिख लेते हैं इसका फॉर्मेट, फॉर्मेट बताओ, पर्टिकुलर्स, बीच वीक पर्टिकुलर्स लिखा, फिर हेडिंग लिखो आउटस्टैंडिंग फॉर, आउटस्टैंडिंग फॉर, लेस देन 6 months, 6 months to 1 year, 1 year to 2 years, 2 years to 3 years, more than 3 years, and total, तुमको धीरे लिखना है, मैंने फास्ट बोला, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे मिलकर बेस्ट है, नहीं बताना मत बताओ। हाँ भाई लिखिए, हुआ बेटा ये लिखकर हेडिंग,
ओके नाउ लिखिए अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड, फिर अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड डाउटफुल, मतलब आरडीडी, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड डाउटफुल, आयशा पत्का मैं बताया ना बेटा आपको कि आई विल बी डीलिंग विद दिस इन AS 15, आपको तब तक रुकना पड़ेगा बाबू। हाँ ये अनडिस्प्यूटेड लिख दिया है क्या? अभी लास्ट लिखो डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड। डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड, और राजा बेटा जी लास्ट लिखेंगे डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड डाउटफुल, इज दैट ओके? वेरी गुड, सो वी हैव कम सो फार, नाउ कैन आई, हो गया यहां तक? अब राजा बेटा जी लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट वाला नोट 16 आ गया क्या? लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस पर सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट पूछ रहे, पता नहीं क्यों। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा, हां आराम से दो मिनट लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो बेटा जी पहला लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है। फिर लिखिए बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, फिर लिखिए अंडरलाइन कर बैंक बैलेंस को, विथ नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, बैंक को अंडरलाइन किया उसके नीचे विथ नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। सर नॉन स्केड्यूल्ड बैंक क्या होता है? तुम्हें ये पता है ना कि आरबीआई की लिस्ट में स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं, होते हैं, मैं बोल रहा हूं ना, मान ले। अब वो सब चीजें तो नहीं बता सकता हूं ना, अब मैं बोल रहा हूं तो है बात खत्म। सो विथ स्केड्यूल्ड एंड नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, ऐसे दो डिस्क्लोजर आपको देने पड़ते हैं। तो क्या लिखा? बैंक बैलेंस अंडरलाइन करा, विथ नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, और फिर नीचे लिख दीजिए अदर्स। अब अदर्स मतलब कौन से हो गए? स्केड्यूल्ड बैंक, समझे? नाउ नेक्स्ट लिखिए उसके नीचे, ये क्या क्या लिखा अभी? कैश बैलेंस, फिर क्या लिखा? बैंक बैलेंस विद बैंक, बैंक बैलेंस विद बैंक को कितने हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे? दो, कौन से दो हिस्सों में? स्केड्यूल्ड बैंक, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक एंड अदर्स। नाउ राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, अरे हाँ रे बाबा, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखिए, मैं बता रहा हूं मेरे को भुला दिया तुमने, डिपॉजिट विद बैंक, डिपॉजिट विद बैंक, डिपॉजिट विद बैंक, डिपॉजिट माने एफडी विद बैंक। सो लिखिए मैच्योरिटी विद इन वन ईयर, डिपॉजिट विद बैंक, मैच्योरिटी विद इन वन ईयर, नहीं उसको अंडरलाइन करके, डिपॉजिट विद बैंक मतलब एफडी विद बैंक, उसको अंडरलाइन करके लिखेंगे, मैच्योरिटी विद इन वन ईयर, लिखा मैच्योरिटी विद इन वन ईयर एंड मैच्योरिटी ग्रेटर देन वन ईयर, मैच्योरिटी विद इन वन ईयर, और नेक्स्ट क्या लिखा? मैच्योरिटी ग्रेटर देन वन ईयर, ठीक है, इन द ब्रैकेट लिखो रेफर कंसेप्ट क्वेश्चन, मैं दूंगा कंसेप्ट क्वेश्चन इसका, तब हो जाएगा आपका, इसके ब्रैकेट में लिख दो रेफर कंसेप्ट क्वेश्चन, रेफर कंसेप्ट क्वेश्चन। बेटा जी एफडी आपने इन्वेस्टमेंट में नहीं लिखा था, जाके चेक कर लीजिए, एफडी आपने इन्वेस्टमेंट में नहीं लिखा था, इसीलिए डिपॉजिट विद बैंक यहां पर आ रहा है, और डिपॉजिट विद बैंक इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, मैच्योरिंग इट विद इन वन ईयर एंड मैच्योरिंग इट मोर देन वन ईयर। तो इसके ऊपर जब कंसेप्ट क्वेश्चन होगा तब आपका यह काम क्लियर हो जाएगा। नाउ लास्ट लिखिए अदर करंट असेट, अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट, अदर करंट असेट्स, ठीक है, अदर करंट असेट, अदर करंट असेट को हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर लिखिए उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, दूसरा लिखेंगे अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर क्या लिखेंगे अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम एक्सेट्रा। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड समझ नहीं आ रहा है। सो बेटा जी, डिस्प्यूटेड का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर कोई दावा क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि ऐसा हुआ कि हमने, देखो सुनो ना, हमने किसी को माल सेल किया, हमने उसको प्राइस लगाई 10,000 रुपीज, बट उसको उसने डिस्प्यूट कर दिया कि भाई ये प्राइस एग्री हुई नहीं थी। सो क्या बन गया, डिस्प्यूटेड क्लेम बन गया। डिस्प्यूटेड क्लेम वो होता है कि जिसके अंदर राजा बेटा जी क्लैरिटी नहीं है, वो डिस्प्यूटेड क्लेम। कई बार उसके ऊपर लीगल केस भी चल रहा होता है, बट हम बोलते हैं कि वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, बट डिस्प्यूटेड है जिसके ऊपर केस चल रहा है। और नॉन डिस्प्यूटेड माने क्या है कि जो क्लियर कट है कि ये पैसा आना है। डू यू एग्री? डिस्प्यूटेड का पैसा नहीं है तो ठीक है, समझ सकते हैं। नॉन डिस्प्यूटेड का पैसा अगर नहीं है, सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और दूसरी चीज, अगर बहुत सारे क्लेम, बहुत सारा रिसीवेबल डिस्प्यूटेड है, तो आपको यह क्लैरिटी से समझ में आएगा कि कंपनी की शायद लीगल पॉलिसीज में कुछ लफड़ा है। How can so many claims be disputed? I hope you're getting my point. शायद contracts अगर legal compliance सही से नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर disputed claims ज़्यादा हो रहे हैं। Any which ways, I think अब तुमको जितना लिखा है एक बार पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद में एक rapid fire round होगा जिसके अंदर मैं आपके सामने कुछ problems put up करूँगा और आप उसके examples मुझे दोगे। Is that okay? So आप एक बार इसको पढ़ कर निकालो अपने level पर आपका। अच्छा, before I go ahead, let me explain you an important thing. मुझे एक बात बताओ, तुम बच्चे इतने क्लासेस कर रहे हो, तुम में से कोई ऐसा गधा होगा कि जो पास नहीं होना चाहता? मुझे तो नहीं लगता। मुझे एज ए टीचर लगता है कि ये बच्चे जो इधर क्लास में आकर बैठते हैं, ऑनलाइन लाइव में पढ़ते हैं, जीडीपीडी में पढ़ते हैं, यार वो गधा नहीं है यार वो बच्चा। कैसे बोल दूं मैं, मतलब मेरे को शर्म आने को ना कि मैं बोलूंगा कि इतना पैसा भरा इधर आकर क्लास में बैठेगा और वो बच्चा पास नहीं होना चाहता? नहीं, इधर बैठा हुआ हर एक बच्चा पास होना चाहता है। ऑनलाइन लाइव में जो बच्चा बैठा है वो पास होना चाहता है, जीडीपीडी लेने वाला बच्चा पास होना चाहता है। तो ये समीकरण को जरा ध्यान से समझना, दिस होल सिनॉप्सिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। इंटेंशन विल नॉट बी सफिशिएंट, इंटेंशन विल नॉट बी सफिशिएंट। कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन इन द क्लास, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू पास? कैन यू सी अराउंड? इंटेंशन वोंट, देखो नीचे वाले रसगुल्ले कितने प्यारे प्यारे दिख रहे। इंटेंशन वोंट बी सफिशिएंट, सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सफिशिएंट, देन व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड। क्योंकि सभी का इंटेंशन है, सभी लोग बोलेंगे कि मुझे पास होना है। So, वो क्या कीवर्ड है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए? कई बार हम बोलते थे कि नहीं मेरे से गलत बोला गया, बट मेरे इंटेंशन नहीं थे। भाड़ में क्या साले तेरे इंटेंशन, क्या लेना देना इंटेंशन का? मुझे जो सुनाई देगा, मुझे जो समझेगा, वही तो इंपॉर्टेंट होगा ना। तेरे इंटेंशन क्या है, मैं तेरे अंदर घुसकर थोड़ी ना देख सकता तेरे इंटेंशन क्या है। एग्जामिनर तुम्हारे अंदर थोड़ी ना घुसकर देखेगा तुम्हारा इंटेंशन क्या है। सो देयर इज अ इफेक्ट कॉल्ड एज कैटलिस्ट इफेक्ट। वो कैटलिस्ट, किसी को आइडिया है साइंस बैकग्राउंड? यस, accelerate the process. Yes, it is used to increase the rate of reaction, but it doesn't participate in the reaction. It is called as catalyst effect. Now understand, आपके life में भी आपको ध्यान में रखना है, जब दो व्यक्ति खड़े होते हैं, right? उनमें से एक व्यक्ति पास होने वाला है, दोनों ही इंजीनियर है, दोनों में से किसी एक को जॉब मिलने वाला है, what is that difference? दोनों इंजीनियर है, दोनों में से किसी एक को जॉब मिलने वाला, दोनों में से किसी एक को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, व्हाट इज दैट डिफरेंस? नो। अच्छा चलो, मैं तुमको एक बात, तुम शादी में केटरर है, दोनों केटरर है, दोनों खाना बनाते हैं, दोनों में से किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, क्यों? सो यर यू आर बैंग ऑन टारगेट, वेदर यू विल पास और नॉट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर क्वालिटी ऑफ द वर्क। इफ यू डोंट राइट प्रॉपरली, इफ यू डोंट यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली, that means you are not spending your work properly in terms of quality. आप मुझे बताओ, government office जाना पसंद करोगे या किसी private mall में जाना पसंद करोगे? क्योंकि वहां पर quality है, वहां पर quality of the work है, quality of the treatment है. Remember, you are a product for this world. You might rate yourself बहुत high, बहुत ऊपर, तुमने मुझे भी product देखकर ही analyze कर तुम इधर आए। Every single person in this commercial world, except for our family and close relatives, close friends, everyone is a product. तुमको जज किया जाएगा, तुमको लेने से उनका कितना फायदा होगा, ये हर चीज पर वक्तव्य होगा।
तुम्हें कितनी पगार दी जानी चाहिए, तुम्हें काम दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, तुम सीए बन जाने के बावजूद भी यू विल अगेन एंड अगेन रिक्वायर्ड टू प्रूव योर वर्थ बाय गिविंग इंटरव्यूज, बाय गिविंग एग्जाम्स. सो कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंस कि भाई नहीं मेरी इज्जत होगी, कोई घंटा इज्जत नहीं होने वाली. इट इज ऑलवेज अबाउट व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, क्वालिटी. और तुम्हें परीक्षाएं देनी पड़ेगी, अग्नि परीक्षाएं बार बार देनी पड़ेगी. उसके लिए प्रिपरेशन अभी से करोगे तो चिड़चिड़ नहीं होगी, नहीं तो आगे हम जाके क्या चिड़चिड़ करते कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा. अरे तुम प्रोडक्ट है, तुम अभी समझो, तुम्हारे से कोई प्यार नहीं करता इस दुनिया में. तुम उनका कितना फायदा करा सकते हो वो इंपॉर्टेंट है. ओशो ने बहुत अच्छी चीज बताई थी ये, और मैंने ये चीज मेरी जिंदगी में सीखी और तब से मैं सक्सेसफुल होने. सो आई वॉज अ डिजास्टर एज अ टीचर, यू नो दैट आई वॉज अ बिग डिजास्टर. गंदा टीचर था मैं, क्योंकि मैं तब जब टीचर के तौर पर खड़ा होता था तो मेरे को मेरे घर की प्रॉब्लम्स दिखती थी. मुझे यह दिखता था कि मुझे पैसा कैसे कमाना है. मैं पैसे के लिए काम कर रहा था, नहीं बन पाया अच्छा टीचर. फिर मेरे एक गुरु थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे टीचर थे वो, बहुत एक से एक विद्वान स्टूडेंट्स उन्होंने क्रिएट किए. मतलब ऐसा समझ लो कि IMF के कुछ बहुत हाई पोजिशन पर उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं. सो ही वॉज 70-75 ईयर्स ओल्ड, एकदम एक्सट्रीमली विविड रीडर. उन्होंने एक दिन मेरे को इतना जलील किया, मतलब मेरे अंदर कुछ रखा ही नहीं. बट वो बहुत प्यार करते थे मुझसे, मेरे नेबर थे. सो जब उन्होंने जलील किया, उस दिन आत्मा अंदर से जागी और उस दिन से पढ़ाना शुरू किया. उस दिन से हर एक चीज़ खुद से खुद काम किया, किसी पर निर्भर नहीं रहा, क्वालिटी पर फोकस किया और बच्चे अपने आप प्यार देने लग गए. तो प्रॉब्लम पॉइंट क्या था कि यू आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड टू ओनली गिव. I cannot teach myself. A barber cannot cut his own hairs. A heart specialist cannot operate his own heart. Right? You take any example here. You are here to give. And when you give the best quality, you are appreciated. When you give less and you want more, then you are a disaster. और majority लोग ऐसे ही option में छोड़ के चला जाता हूँ, फिर भी pass कर दो. मेरे को ये चीज़ नहीं आती, फिर भी पगार दे दो. कोई नहीं देने वाला. सब लोग भिखारी के जैसे जाते हैं. नहीं जाने क्या? जब तुम बहुत ज़्यादा दोगे, अपनी हैसियत से ज्यादा दोगे, तो भरोसा मानो ये यूनिवर्स आपको आपकी हैसियत से जितना आप संभाल नहीं पाओगे उससे ज्यादा देगा. ऐसा सिस्टम है ही नहीं मेरे भाई कि तू थोड़ा सा कम देगा और ज्यादा मिल जाएगा, इम्पॉसिबल है. बट जब तू खुले मन से देता रहेगा. सो अभी आपके पास व्हाट इज देयर टू गिव यू, यू हैव गॉट योर क्वालिटी ऑफ द वर्क टू गिव टू द सोसाइटी. सो व्हेन यू विल क्वालिफाई एज अ सीए, तो एज अ सीए आप क्या काम रिप्रोड्यूस कर दे पा रहे हो, उससे आपका वर्थ डिसाइड होगा. अभी आज तुम मुझे बताओ, तुम जुगाड़ करोगे 11th 12th में जैसे जुगाड़ किया, फाउंडेशन में जुगाड़ किया, सॉरी इफ आई एम हर्टिंग यू बट दिस इज मैटर ऑफ फैक्ट, तुम अभी पास हो गए सर. बट अगर मान लो जो जो बच्चे बीकॉम पास हो गया है, कुछ बच्चे मुझे ऑफिस में मिलते हैं, सर फाउंडेशन में मैं ये छोड़ के आ गया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. आ रही ना प्रॉब्लम अभी, जब प्रॉब्लम आ रही है तो अच्छे कैसे बन पाओगे. अच्छा बनने के लिए अभी भी ध्यान रखना, हर चीज करने की कोशिश करना. ऑलवेज हैव अ वेरी गुड एंड क्वालिटी टाइम with yourself. Is that okay? Quality of the time समझ में आ रहा है? अच्छा टाइम स्पेंड करो. जब मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो. डोंट डू दगाबाजी नहीं करने का अपने आप. नो दगाबाजी. बोल रहे पढ़ने का तो पढ़ने का. तुमने बोलेगा नहीं सर अभी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, मस्ती करने का करेंगे ना. बट अगर डिसाइड किया पढ़ने का तो पढ़ने का. तो हम अच्छा प्रोडक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं. कैन वी डू दैट? वेरी गुड. सो कैन यू रीड दैट? सो अच्छे दिल से पढ़ो, अच्छे से, जैसे किसी का लेटर आया हो. तुमको ऐसा लगता, अरे ठीक है मैं तुमको एक और किस्सा बताऊंगा, अरे मेरे जिंदगी की सच्चाई वो बताऊंगा. तुम साले झंडू बाम हो एकदम. तुमको एक से एक भारी किस्से बताऊंगा. चलो पढ़ लो इसको एक बार. पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, सारे फॉर्मेट्स को पढ़ लो. वो बेसिक वाले पेपर का ये रहे. क्या बाबू, हे बाबू लिख लिया क्या? चलो लिखते जाते कुछ क्वेश्चन, तुम्हारे लिए घर पर होमवर्क है. ठीक है, ना दो के करना. पहला क्वेश्चन. हाँ बेटू क्या? नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं लिख कर दे रहा हूं. ये उसको दे रहे शीट. और जिनको जिनको शीट्स नहीं मिली है वो, मतलब जिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो शीट्स इनसे ले लेंगे. पहला वाला लिखे गिव.
फोर आइटम्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ए गधेड़ो, देखकर लिखोगे कि बिना देखे लिखोगे? बिना देखे। नेक्स्ट लिखो, गिव फोर आइटम्स इन पीपीई। नेक्स्ट, गिव नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ इन्वेंट्री। बेटा नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ इन्वेंट्रीज मतलब इन्वेंट्रीज में क्या क्या जाएगा। गिव नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ इन्वेंट्रीज। मुझे लगता है इतना काफी है। एक और कर ले, गिव फोर आइटम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द ब्रैकेट नॉन करंट। आर वी डन? सो सिट इरेक्ट, नाउ वी आर गोना स्टार्ट सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। और मेरे पास एक घंटा है, एक घंटे में मुझे लगता है आराम से एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी एक्सप्लेन यू वन स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ, जिससे मुझे मेरे को बहुत ज़िंदगी में मज़ा आया। शायद कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा, सुन लो ठीक है। तुम्हारी लाइफ किसकी बनी हुई है, किसी को आइडिया है कि नहीं आइडिया? एक बुक पढ़ना, अगर किसी को मिले मौका तो बुक पढ़ना। दिस बुक इज रिटन बाय रैंडी पॉश एंड दिस गाय सफर्स विद अ कैंसर लास्ट स्टेज एंड ही डिसाइड्स टू राइट अ बुक। बुक का नाम है लास्ट लेक्चर एंड इज अ टीचर। व्हाट अ फैंटास्टिक बुक ही राइट्स। लास्ट लेक्चर डायपर पहन कर वो सभी लोगों के सामने जाकर लेक्चर लेता है, क्योंकि बिकॉज ही हैज गॉट अ प्रॉब्लम विद हिज स्टमक। और वो लेक्चर लेता है और उसकी पूरी स्टोरी बताई उसने। तुमको मजा आएगा बुक पढ़ोगे तब। लास्ट लेक्चर, सो जब वो बुक लिखते तब उसमें एक बताते कि लाइफ इज मेड अप ऑफ टाइम एंड हाउ यू स्पेंड योर टाइम डिसाइड्स वेदर यू आर लिविंग और नॉन लिविंग, डिसाइड्स वेदर योर क्वालिटी ऑफ द लाइफ वॉज ग्रेट और नॉट। दिस इज वॉट इज फैक्ट ऑफ लाइफ, यस और नो? सो माई लाइफ इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टू फेजेस। वन इज वेर इट इज वेरी वेरी बैड, वेन आई यूज टू फील वेरी बैड फॉर माई लेग, वेन आई यूज टू फील वेरी बैड वेन आई यूज टू वॉक, वेन आई यूज टू फील वेरी वेरी बैड कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, फलाना ढींगड़ा अमका ढमका टमका। एंड द सेकेंड फेज ऑफ लाइफ मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सो टाइम कैसे बिताते हो तुम किसी भी चीज के साथ? फिर वो म्यूजिक के साथ कुछ लोग टाइम बिताते हैं तो भाई साहब म्यूजिक के अंदर ही घुल जाते हैं। तो तुम किसी चीज के साथ टाइम कैसे बिताते हो ये डिसाइड करेगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो सम ऑफ देम प्ले स्पोर्ट्स फॉर द प्लेइंग, क्योंकि पापा मम्मी फोर्स करके भेज रहे हैं। एंड सम ऑफ देम आर लाइक विराट कोहली, दे प्ले विद एग्रेशन। तुमने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग जाते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो खेल रहे। एंड समटाइम्स व्हेन पीपल प्ले यू कैन सी द फायर इन देम एज इफ क्रिकेट ही खेल रहा है। तो मेरे साथ में भी एक ऐसा किस्सा होगा तो आपको शेयर कर रहा हूं कि कैसे जिंदगी जीना हो ना, एकदम सिंपल। सो मैं जिंदगी में पहले जब सीए बना तो उसके बाद मैं इमीडिएटली कॉर्पोरेट ट्रेनर बना, और मैं जितना दुबला पतला आज दिख रहा हूँ उससे कई गुना ज्यादा दुबला पतला उस जमाने में था। मतलब समझ लो ना कि 28 की कमर, नाउ आई थिंक यू कैन विजुलाइज वेल 28 की कमर, एक्चुअली 28 की कमर थी, ठीक है, दुबला पतला एकदम। और कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गया क्योंकि आई वॉज अ गुड स्पीकर, ओके। सो वो तो बना दिया उन्होंने मेरे को, और मैं अगर बोलना चालू किया तो फिर किसी के बात में दम नहीं कि मेरे को रोक दे। उस समय बोलता भारी था मैं एकदम, वो डरता नहीं था। तो कॉर्पोरेट ट्रेनर बना और पहली बार फ्लाइट में बैठने का मौका मिला। यार इतने दिन तक फ्लाइट्स को सिर्फ ऐसे उड़ते हुए देखते थे। फिर मुझे पता चला कि बहुत झंडू बाम होती है फ्लाइट्स में बैठना। मुझे पहले नहीं पता, मुझे लगता था हवा में उड़ती बहुत मजा आता होगा। एक तो कान फट जाते साले इतना जोर जोर से बरसते रहता, दूसरा क्या बैठने के लिए जगह कम, और तीसरा आई एम श्योर कि आप लोग मानेंगे इस बात को, एयरपोर्ट में कोई किसी से बात नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं बात करते। मतलब तुम ट्रेन में चले जाओ बाहेंडी कितना मजा आता है, तुम इस डब्बे में से कुछ खा लो उस डब्बे में से कुछ खा लो, और अगर वो नहीं दे रहे तो थोड़ी देर उनके पास देखो वो दे देते हैं। मतलब मैं तो छोटा था तो पापा मम्मी के साथ जाता था तो यही अपना एजेंडा रहता था कि नहीं दे रहे तो देख लो उनके पास दे देंगे, भिखारी बनना है बन जाओ क्या फर्क पड़ रहा है। सो ट्रेन में बहुत ज्यादा मजा आता है, बसेस में भी बहुत ज्यादा बात होती है, लाल डब्बे में तुम जाओ करो तो बातचीत हो जाती है तुम्हारी, मजा आता है।
उसमें सोने का भी बड़ा मजा आता है, हिलते रहता है ऐसा, फिर ऐसा कर, फिर ऐसे लगता है, फिर उठो भाई, मजा है, अब इन्वॉल्वमेंट है। फ्लाइट में बहुत बोर होता है, फ्लाइट में कोई किसी से बात नहीं करता। और तुम्हें पता है मेरा जो कंपनी था वो कंपनी मॉर्निंग की फ्लाइट बुक करती थी साले, क्योंकि सस्ती रहती है फ्लाइट, और मॉर्निंग की फ्लाइट वाले लोगों की इज्जत नहीं रहती तो वो डिले हो जाती थी, तो हम चले जाते थे और उधर जाके पता चला। अभी मैसेज वाला सिस्टम अभी आया, अरे पुराने जमाने में कहाँ मैसेज ऐसे कुछ नहीं, वहां जाने के बाद पता चलता था फ्लाइट डिले हो गई, अब बैठे रहो उधर एयरपोर्ट पर। बैंडी मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ, पहली बार जिंदगी में 125 रुपए की कॉफी पी वो एयरपोर्ट पर, और मुझे नहीं पता था कि शक्कर ऊपर से डालते हैं। मैंने बहुत मुश्किल से वो कॉफी को पिया भाई, 125 रुपए की खारी वाली पी नहीं पाया। मतलब कैसे पीते यार लोग, और कितने जलील लोग, क्या कर रहे हैं शी। मतलब अपने को रिच नहीं होने गए, ऐसे काम करने गए क्या, बिना शक्कर वाली कॉफी वॉफी पियो। कुल मिलाकर जिंदगी पूरी झंड थी जब मैं एयरपोर्ट में जाता था, फ्लाइट डिले मजा नहीं आ रहा और कोई किसी से बात नहीं कर रहा, और अपन ट्रेन में ट्रैवल किए हुए लोग। मतलब मैं मरोजाक नहीं बता रहा हूँ, कभी कभी तो जब मैं इधर था बारिश होती थी, कभी लोनावाला से या मुंबई से, इफ़ यू कम फ्रॉम लोनावाला टू दिस वे इन अ ट्रेन एंड यू स्टैंड देयर वेयर, मतलब दरवाजे पर लोकल में खड़ा अलाउड रहता है, धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदे छींटे गिरती रहती है, बहुत मजा आता है। आई मीन इट इज़ फैंटास्टिक, इट कीप्स फॉलिंग ऑन योर फेस। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, बहुत मजा आता है। और सी मुंबई पुणे का वो पूरा क्लाइमेट एंड ऑल ऑसम। तो मैं ऐसा वाला आदमी था, उधर एयरपोर्ट में सड़ा दिया, पर जिंदगी मेरी सड़ रही थी। तो अपन बैठे उधर, अपन एक बुक ली है, उस बुक में कॉलम बना है, इस तरफ फ्लाइट्स के नाम, इस तरफ पैरामीटर अलग अलग, और अब हम ढूंढ रहे हैं एयर होस्टेस। और अब मैं उनको पॉइंट्स दे रहा हूं आउट ऑफ 10 अलग अलग एरियाज को देखकर। एंड समटाइम्स इट वाज सो केओस, क्योंकि 3-4 एयर होस्टेस एक साथ आ गई और सबको एक 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 चीजों पर जज कर यू हैव टू गिव द पॉइंट्स। तुमको मैं मजाक नहीं बता रहा हूं, दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। क्योंकि जिंदगी तो झंड मेरी हो रही थी ना, बराबर। तुमको क्या, मैं कितना मोटिवेटेड जा रहा हूं जरा सोचो, कॉर्पोरेट ट्रेनर सुबह गया उधर, कितना मोटिवेटेड, क्या लेक्चर ले रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत खुश होकर आया हूं। और नहीं तो मैं ऐसे आऊंगा, अरे यार नहीं यार फ्लाइट लेट हो गई यार, मेरे को बहुत बोर हुआ यार, फिर मैं उधर बैठे सड़ता रहा यार, नींद भी नहीं हुई पूरी। काहे की नींद आई, वो सो एक्टिव, नींद भाग गई मेरी। सो आई मीन आई लीव माय लाइफ लाइक दिस, हो सके तो तुम भी कोशिश करना, समझे। चले अभी क्या, कहां चलेंगे, चलो अभी लिखते हैं। अभी क्वेश्चन कौन सा करना है बेटा जी, आप आ जाइए आपके टेक्स्ट बुक में, बेटा ये सुनना चिन्मय, ये मेरे को कौन सी बुक दी है तूने, ठीक है बेटा। आपको पहले आना है ग्रीन में, ग्रीन में पेज नंबर 4.2, ग्रीन में पेज नंबर 4.2, ये ग्रीन देखो 4.2 आपको दो जगह मिलेगा, एक येलो पर मिलेगा, ये ग्रीन ऐसा रहेगा, ग्रीन में 4.2 दिखा गया, 4.2 आपको पेज दो जगह मिलेंगे, एक ऑरेंज मिलेगा और एक ग्रीन मिलेगा। ग्रीन वाले रिपीटेड प्रॉब्लम्स है, हाँ क्या प्रिंट आउट से, तो उसमें मैं कलर नहीं मार्क कर सकता बेटा, अब तुमको ढूंढना पड़ेगा, वो देख ले बाजू वाले में किस में। तो तुमको क्वेश्चन ओपन करके दिखा रहा हूं मैं, एक किस पर आए तुम ग्रीन में 4.2 पर, किधर आ गए अपन, दिस इज आईसीआई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 आरटीपी नवंबर 20, बिल्कुल सही। ये सुनो ना, ये थोड़ा सा समय लगे तो भी ठीक है, किधर है भाई, ये क्वेश्चन बैंक किधर है रे? चिन्मय किधर है? पेनड्राइव ओपन किया ना? कौन से बुक में कैसे रहेगा?
ठीक है, फिर कौन से बुक नाम निकल उसका। ये बेटा जी ये इंडेक्स है क्या? इसमें मैं ग्रीन वाला ये वाला बात बता रहा हूं, ठीक है? ये टीचर्स कॉपी क्या? एक दो मिनट दो बेटा, इसको समझा दूंगा मैं, चिंता नहीं करो। ये बुक इस तरीके से इस बार ही डिजाइन हुई है। हाँ राजा बेटा जी, चिन्मय थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा। ओके बेटा जी ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आईसीआई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 आरटीपी नवंबर 20। लेट्स रीड द क्वेश्चन स्लो एंड स्टडीली। ऑन 31st March 2020 ओम लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स पीएनएल अकाउंट। बेटा अंडरलाइन द वर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। मतलब पीएनएल अकाउंट बन चुका है, हमें बनाना क्या है? बैलेंस शीट। ये उसका एक बेसिक क्वेश्चन अभी हम डील कर रहे हैं। बेटा जी इक्विटी शेयर कैपिटल ये कहां जाएगा? बेटा पूरा ऐसे लिखना, क्वेश्चन को लाल पीला कर दो, कोई टेंशन नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड मेरे साथ लिखना शुरू करें, शेयर होल्डर्स फंड इसके अंदर कहां जाएगा? शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड और उसमें कहां जाएगा? शेयर कैपिटल। बेटा जी जनरल रिजर्व कहां जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रीपेबल विद इन 1 ईयर ₹3 lakh, टोटल अमाउंट है 15,75,000, यस और नो? इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 3 lakh एंड 12,75,000, से यस और नो? बेटा जी अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 lakh कहां जाएगा? एसटीबी। बट बेटा जी ये सिक्योर्ड होगा कि अनसिक्योर्ड होगा? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, प्लीज दिमाग लगा के बोलो, क्योंकि उसको हमने क्या सिक्योरिटी दी है? प्लांट एंड मशीनरी। 12,75,000 कहां जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड? डू यू ऑल एग्री? सो एक शॉर्ट टर्म बोरिंग और एक क्या जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। कबूले? नेक्स्ट लोन अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म, बेटा जी ये कहां जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। बेटा वाई लॉन्ग टर्म बोरिंग? Why long term borrowing? Because it is payable after 1 year. But whether it would be secured or unsecured? Unsecured. Beta ji, fair. Sundry creditors for goods and expenses. Payable within 6 months. Yaad aa raha hai kya creditors ka? Usme column hum sare banayenge. Less than 1 year. 1 to 2 years. 2 to 3 years. Greater than 3 years. Total. MSMEs. Right? And others. MSMEs disputed, others disputed, yes or no? इसमें details दिए हुए नहीं है, but हमको वो पूरा format याद होना चाहिए। जब भी details आएंगे तब हम उसको भी भर पाएंगे। Say yes. आगे बेटा जी P&L account कहाँ जाएगा? Reserves and surplus, provision for taxation कहाँ जाएगा? Short term provision. बेटा provision for tax तो short term provision में गया था ना? Say yes or no? क्या आपको ऐसा लगा कि आप ये first time कर रहे हो? क्योंकि जितना अच्छा base हुआ उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन आराम से आया। एग्रीड? चलो कोशिश करते हैं। बेटा जी कॉल्स इन अरियर्स कहीं तो बात हुई थी। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या करेंगे इधर? लेस। सांस लो सांस लो। लैंड, लैंड नॉन करेंट असेट, पीपीई, ए झंडू बिल्डिंग, नॉन करंट असेट पीपीई, प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट असेट पीपीई, फर्नीचर नॉन करंट असेट पीपीई, फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज, करंट असेट इन्वेंट्रीज ना, रॉ मटेरियल करंट असेट इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। से यस और नो? ए झेंडू ट्रेड रिसीवेबल के याद आ रहे हैं क्या तुमको? फार्मेट्स बेस्ट है। नीचे क्या लिखा है? एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट असेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा, बैलेंस विद बैंक, करंट असेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल, सांस लेते रहो बेटा, नॉन करंट असेट्स, सेस बेटा जी, देखो ना, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव बैलेंसेस, 6,30,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, तुमको याद आ रहा है मैंने शेयर होल्डर्स फंड में कुछ लिख कर दिया था, क्या लिख कर दिया था पढ़ो, इन केस ऑफ शेयर्स इश्यूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, यस और नो, इन केस ऑफ शेयर्स इश्यूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, सो हम ऐसा करेंगे जब हम शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे तो उधर उसका ब्रेकअप देंगे और ये लिखेंगे कि 6,30,000 शेयर्स आर इश्यूड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग और एज अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, यस और नो, सो इसका लिख दीजिए डिस्क्लोजर कहां जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, हैप्पी, डिस्क्लोजर जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स, बेटा जी इसको लिख दीजिए पीपीई, बेटा जी ये मैं जब आपको समझाऊंगा क्वेश्चन में तभी आपको क्लियर होगा, तो इसको अभी पीपीई में स्केड्यूल में डिस्क्लोजर जाएगा। बेटा ट्रेड रिसीवेबल फॉर 5,70,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, अगर आपको एजिंग याद होगी तो हमने ट्रेड रिसीवेबल बनाया था, याद आ रहा कि नहीं आ रहा है, कंसिडर्ड गुड, उसके अंदर पहला लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, मोर देन 1 to 2, 2 to 3, 3 to, sorry, मोर देन 3 ईयर्स एंड टोटल, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल गुड, और फिर ट्रेड रिसीवेबल डाउटफुल, कंसिडर्ड डाउटफुल, अरे हाँ ना, ऐसे एक के नीचे एक लिखा था ना, तो ये अभी आपको मैं वहां पर बताऊंगा, तो ये कहां जाएगा डिस्क्लोजर, ट्रेड रिसीवेबल, हाँ, द अमाउंट ऑफ बैलेंस विथ बैंक इंक्लूड्स 27,000 विथ अ बैंक विच इज नॉट अ स्केड्यूल्ड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डिस्क्लोजर जाएगा क्या, मैंने बैंक बैलेंस में लिखा था नॉट अ स्केड्यूल्ड बैंक, फिर नीचे क्या लिखा है, एंड द डिपॉजिट ऑफ 7,50,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, मतलब बेटा जी ये बैंक डिपॉजिट होगा कि एफडी, एग्रीड, तो बेटा जी ये बैंक बैलेंस है ना, इसके अंदर ब्रेकअप है बेटा, डेबिट बैलेंस बैंक बैलेंस किधर है, हाँ ये इसके अंदर ब्रेकअप है बेटा, बैलेंस विद बैंक में पहले कितना ब्रेकअप है 27,000 क्या, और फिर नेक्स्ट ब्रेकअप कितना है 7,50,000, और फिर बैलेंस कितना है अदर्स, कितना है बेटा बैलेंस विद अदर्स, 25,93,000 है ना बेटा, वो 25,93,500 माइनस 27,000 माइनस 7,50,000 माइनस 18,16,500, इसका डिस्क्लोजर मैं आपको समझाऊंगा, हैप्पी, सो बेटा जी ये भी डिस्क्लोजर में जाएगा बैंक में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओहो अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 3 लाख फ्रॉम अ बैंक एंड 1,50,000 फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी, माने ये अनसिक्योर्ड लोन दिख रहा है बेटा इधर क्रेडिट बैलेंस ये वाला, इसके अंदर दो पार्ट हो गए, दो पार्ट कौन से बेटा, एक कितना है बाबू बता ना, 3 लाख और दूसरा 1,50,000, कबूले, जो 1,50,000 है वो कहां से, रिलेटेड पार्टी, और 3 लाख किससे, बैंक से, और बचा हुआ अदर्स, तुम्हें याद है कि तुम लिखते थे टर्म लोन फ्रॉम बैंक फ्रॉम अदर्स या रिलेटेड पार्टीज, जाके चेक करो, तुमने लिखा था बोरिंग्स में टर्म लोन लिखा था, टर्म लोन को अंडरलाइन कर फ्रॉम बैंक राइट फ्रॉम अदर्स एंड फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, यस और नो, सो वैसा ही ब्रेकअप हम क्या कर रहे हैं, बैंक से कितना आया, रिलेटेड पार्टी से कितना है और अदर से कितना है, कॉमन सेंस है, ओके पीपल, फिर रसगुल्ले, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर, थैंक यू, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020 एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लेट मी आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास, बेटा जी हम पहले क्या करेंगे, हमें कौन से नोट या हेड बनाने पहले ये देख लेते, सो पहला हमारा आएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा क्या, यस, अब नॉन करंट लाइबिलिटी में जितना मुझे याद आ रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग है थर्ड, डीटीएल है क्या,
डीटीएल है क्या? नहीं। तुम देख रहे हो ना क्वेश्चन, डीटीएल नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है क्या? किसका बना है लॉन्ग टर्म प्रोविजन? बताओ नाम बताओ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कौन सा है बताओ? नहीं है। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी है क्या? तुमको अब क्या लोचा हो रहा है, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा शांति से इधर ही टाइम बिताते हैं। अब ढूंढो अलग अलग हेड कौन से बने, क्योंकि तुमको ऐसा याद नहीं आ रहा, राइट? अब जैसे मैं क्या है, धीरे धीरे आपको इसकी आदत लगा दूंगा, बट तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, हेड कौन से बनेंगे इसका, ये करते बेटा। पहला शेयर होल्डर्स फंड, यस और नो? ये वन रिजर्व एंड सरप्लस, टू शॉर्ट टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग थ्री, अबे हाँ नहीं, ये थ्री में ही जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस टू में जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग कहां जाएगा? करंट लाइबिलिटी के विजुअलाइज करो, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या पढ़ा है आपने? शॉर्ट टर्म बोरिंग, हाँ या नहीं? सो बेटा जी शॉर्ट टर्म बोरिंग फोर, शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद में क्या क्या है आपका? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल है क्या? किधर है ट्रेड पेबल? है ना ये ट्रेड पेबल? अरे ट्रेड पेबल है ना रे क्रेडिटर्स, ये फाइव ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के बाद में क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स, ये कितना हो गया? फाइव सिक्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बाद में कौन सा है? नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बाद में क्या? अदर करंट लाइबिलिटी। क्या कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है? कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? कोई भी आइटम नहीं है। सर इधर के क्रेडिट साइड के आइटम में ये पी एंड एल अकाउंट कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। देख लो क्या हमने सारा क्लासिफाई कर लिया है क्या, राइट? अभी चलते पीपीई में। पीपीई में बेटा जी कहां तक हो गए अभी हमारे शेड्यूल? छह के बाद में पीपीई सात, पीपीई सात, पीपीई सात, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स सात बेटा जी, ना ना इन्वेंटरी नहीं, उसके बाद में इंटेंजिबल सात लिख दो या आठ, यू कैन राइट सेवन और यू कैन राइट डाउन एट, इट्स योर कॉल। तुम अगर मुझे बोलोगे कि नहीं सर हम सेवन में ही करेंगे तो ठीक है, बट लॉजिकली टेंजिबल और इंटेंजिबल का ब्रेकअप अलग अलग दिया जाता है। सो सेवन एट हो गया। अब मुझे बताओ पीपी हो गया, फिर पीपी नहीं इन्वेंटरी क्या है यार, जाना सीक्वेंस है, घाई क्यों कर रही है? पीपी फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ढूंढो कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या? देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या? फिर याद करो फॉर्मेट, फिर क्या था? डेफर्ड टैक्स असेट है क्या? कोई डीटीए? चेक करो क्लासिफिकेशन में, डीटीए नहीं है। डीटीए के बाद में कौन सा था? लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म चाहिए हमारे पास, लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म है। सो लोन्स एंड एडवांस लॉन्ग टर्म है क्या? नहीं। फिर राजा बेटा जी कौन सा है? अदर नॉन करंट असेट है कोई? नहीं। सो बेटा जी हम कैसे जा रहे हैं, पहले हमने क्लासिफाई किया, फिर हम अपने आप से बात करते करते उसको पॉइंटर्स में डाल रहे हैं, वन टू थ्री फोर में जो जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं। अब हम पहुंचे करंट असेट में। करंट असेट में पहला कौन सा है? इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है क्या, कहां पे, किसकी बुक में छपा है ये? कौन है रे चमन, ये कहां है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? आंखें बटन है तेरी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर क्या है? इन्वेंट्री है क्या? इन्वेंट्री। सो आठ के बाद नौ, फिर ट्रेड रिसीवेबल टेन, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इलेवन, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ट्वेल्व, और राजा बेटा जी लास्ट वाला कौन सा है? अदर करंट असेट। कोई प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह है क्या? नहीं। सर ये कॉल्स इन अरियर्स कहां जाएगा? तो शेयर कैपिटल वन में ही जाएगा ना। सो राजा बेटा जी अगर आपने महसूस किया होगा तो मैंने हर एक आइटम को पहले क्या किया? क्लासिफाई। इससे हमारा फर्स्ट फ्रेमवर्क बनेगा अच्छे से। कितने पॉइंट्स हमारे बनेंगे बैलेंस शीट में? 12। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लो, कितने पॉइंट्स बनेंगे? मैं फिर दोबारा पूछूं, हमने सारे पॉइंट्स नहीं लिए, क्या हमने डीटीएल लिया? क्या हमने डीटीए लिया? क्या हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिया? क्या हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिया? नहीं लिए, क्योंकि उसके कोई आइटम्स नहीं है। तो पहला क्लासिफिकेशन करना ऐसा, और उसके बेसिस पर किसके किसके हेडिंग्स बनेगी ये पहले पता करना। अब देखो आपका काम कितना आसान होता है, आप मेरे साथ बनाना शुरू करिए। लिखिए एकदम प्रेम से, प्रेम है तुम्हारे अंदर, पूरा प्रेम निकाल कर लिखिए। सर वी डू दैट इन मॉल्स, वेरी गुड, बेस्ट है बेटा। सो पहले क्या लिखेंगे बेटा जी? बैलेंस शीट। नको ना बाबू, ऐसे नको करना। बैलेंस शीट एज ऑन
बोलो बोलो बोलो, एज ऑन व्हाट? बोलो बोलो बोलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओहो, 31 मार्च 2020। फिर ऐसा डिश के आऊं और ये ऐसा डिश के आऊं और फिर ये नोट और फिर डिश के आऊं, तुमको लाइन मारनी की इधर। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट रुपीज, ये कितने लाइन का होगा पता है तुम्हें? अराउंड तुम्हारे 12-13 हुए थे ना, तो ये 15-16 लाइन का बनेगा। एक बार बना लो प्लीज, 15-16 लाइन या 18 लाइन बस। ओके, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जाले बेस्ट है। अब फर्स्ट आइटम क्या लिखने का मेरे को याद नहीं आ रहा है। चल ड्यूटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कौन लिखेगा? बेशरम ताई, काय खाऊ ना लिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, मेंटेन अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, वैसे ही छिछुंदर दिखते हो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर ये वन रोमन वन, फिर वन शेयर होल्डर्स फंड। अंडरलाइन कर कर ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर टू नॉन करंट लाइबिलिटीज। अंडरलाइन मार के लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर ती करंट लाइबिलिटी, अंडरलाइन मार के शॉर्ट टर्म बोरिंग, फिर ट्रेड पेबल। बोलो ना, हाँ बेटा, ट्रेड पेबल, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बेटा मुझे एक पूछना था, अदर करंट लाइबिलिटी है क्या? नहीं है ना आपके क्लासिफिकेशन में, तो मतलब पहले क्लासिफिकेशन प्रॉपर हुआ तो आपके इधर के हेडिंग पता चलेंगे। यार मुझे समझा नहीं यार, नॉन करंट लाइबिलिटी में तो चार आइटम पड़े थे, अपन ने एक ही क्यों लिखा? मैंने क्योंकि क्वेश्चन में एक ही है, और बाकी का उधर लिखकर क्या करने वाला है तू? कुछ है ही नहीं तो क्या लिखेगा उधर? सो क्लासिफिकेशन पहले मेन इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन के बेसिस पर कितनी हेडिंग्स बनेगी ये पता चलेगा। समझ गए? इधर लियो हल्लू से, हल्के हाथों से, टोटल डबल अंडर। फिर कौन सी साइड शुरू हो जाती है? असेट्स, असेट्स में बेटा जी पहला वाला कौन सा आएगा? चल झूठे, बेशरम, बेहया, नॉन करंट असेट्स, एकदम बेशरम। ए ए ए में रोमन आए, प्रॉपर्टी, प्लेंट, इक्विपमेंट है तू रोमन, तू इंटेंजिबल असे, सुनो ना, है कोई तुम्हारे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट? नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है? देख लो रे क्वेश्चन नलायको, देखते रहते हो इधर उधर। ओ, ओ मंदा की नहीं, देख उधर। मेरे को लगा अभी थोड़ी सी देर में ऐसे डांस करना चालू करेगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है क्या कोई? है नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, देख लो, मैं वापिस बोल रहा हूं, है नहीं है। फिर कोई डेफर्ड टैक्स असेट है? फिर लोन्स एंड एडवांसेस है लॉन्ग टर्म? नहीं। अदर नॉन करंट असेट है? नहीं है। तो फिर हम कूदेंगे तू करंट असेट के पास कूदेंगे। करंट असेट्स में ए करंट इन्वेस्टमेंट है?
सर मेरे बुक में क्यों नहीं छप रहे यार ये सब चीजें, कौन है चमन? यार तू जलील क्यों करता, ऐसा नहीं बताने गया यार। एक करंट इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं है। ये सेकंड आइटम बताओ कौन सा है? ये नीचे के रसगुल्ले, सीधा बैठ सीधा बैठ सीधा बैठ माकड़। इन्वेंट्रीज है क्या? बी इन्वेंट्री के बाद में, अरे यार तुम कमी नहीं हो यार, मतलब सही में बहुत भाई। ट्रेड रिसीवेबल, हाँ तो लिख रहा हूं ना, ट्रेड रिसीवेबल आई तो बी। फिर ट्रेड रिसीवेबल के बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्या? बेटा सही में 7:30 बजे छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करते यार कोई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस और नो? आफ्टर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम फ्रेंड्स? डी, नहीं हो जा रही यार। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है क्या? फिर वापिस आ मंजोली का डी के बाद में ई है क्या? अदर करंट असेट्स है क्या? हाँ गुड़िया बोल भाई, सुन ना तू थोड़ा सा कैमरा कम देख ले, वो क्या बोलते मोबाइल कम देख ले यार। मेरे को कोई एसी के बटन नहीं पता इनको बोलने का, मेरे को कोई फैन इनके लिए कुछ नहीं बोलेगा, क्वेरी रही तो बोलने का। मैं इतने प्रेम से अच्छे से पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, एसी आएगा थोड़े देर के बाद में बोलेंगे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या ध्यान देगा यार। ए डी के बाद में ई, ई लिखेंगे क्या? ना, क्योंकि बेटा जी अदर करंट असेट है ही नहीं। फिर लेंगे इधर प्रेम से टोटल, बेटा मेरी भरोसा मानिए, मेरा भरोसा मानिए, आपको फाइनल अकाउंट टफ सिर्फ एक रीजन से जाएगा, मेजर रीजन, अगर आप क्लासिफिकेशन करने में कामयाब नहीं हुए तो। और आपको लग रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, मैं अगला क्वेश्चन आपको एग्जाम का निकाल कर दे दूंगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम। तुम्हें पता है ये फॉर्मेट ही नहीं बन पाता है, फॉर्मेट बनने के बाद में तो हमने जिस तरीके से डिस्कशन किया, अब आपको हर एक फॉर्मेट में क्या क्या चीजें पता चल जाएगी। सो पहला स्टेप है फॉर्मेट का, नंबरिंग करो, उसमें टाइम लगे तो भी चलेगा, और नंबरिंग करने के बाद में आपका ये पूरा फॉर्मेट इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। सो अब मुझे बताओ पहली नोट कौन सी बनेगी? शेयर कैपिटल। तो अब सुनिए जरा, नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ आंसर नहीं ये, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तीजा आयला कुटना आले रे, एक तो पूरा बोलने नहीं देते और चलो पार्ट ऑफ आंसर, नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। उसके अंदर पहली नोट कोई स्केल का प्रयोग नहीं करेगा, स्केल का प्रयोग जरूरत नहीं है। उसमें अंदर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, अंडरलाइन मारने का हल्के हाथों से, हो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हेपी, ए झंडू दिया ही नहीं है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो हम क्या, डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज ईच, और हम क्या कर देंगे डॉट डॉट, पता नहीं है, से यस, अरे दिया नहीं ऑथोराइज तो क्या करूं, तो भी लिखना मतलब आदत तो करानी पड़ेगी ना बेटा, है ना। फिर नेक्स्ट इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ओके बेटा जी जरा जाके देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है, फुल्ली पेड अप शेयर्स दिया है कि नहीं दिया है? बेटा जी जितना मेरे को फिगर समझ में आ रहा है, 1,05,00,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितने शेयर्स मिल जाएंगे आपको, 10,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। इंग्लिश में बोल के बताओ, 10,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो लिखेंगे इधर 10,50,000, बोम बोल एक जीरो ज्यादा हो गया, कॉपी करून बरोबर ले रहे हैं, इक्विटी शेयर्स, ये इतना जल्दी थक रहा है, लिखते लिखते
भाई साहब खतरनाक हो यार। अबे कुछ खाया पिया कर, बदाम बदाम अभी आगे प्रॉब्लम है, सीए बनने के बाद में कुछ फायदा नहीं है फिर। वन करोर फाइव लाख इज दैट ओके राजा बेटा जी, ये 10,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच, 1 crore 5 lakh इज व्हाट आई हैव रिटन इन द इनर कॉलम, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई? कॉल्स इन अरियर्स है क्या? सो इसमें से मैंने आपको सिखाया लेस कॉल्स इन अरियर्स। रसगुल्ले बताना कितना है? 10,500। सो टेक इट इन द आउटर कॉलम, 1 crore 5 lakh माइनस 10,500। जिनको नहीं जम रहा है कैलकुलेटर पर कर लो, 1 crore 4 lakh 89,500। समझे? कुछ बच्चों ने बिना मेहनत किए कॉपी करने में सार्थकता मानी, देखते क्या क्या कॉपी कर पाएंगे। कभी कभी खुद से करने का नॉवेल्टी मिलती है, करो कॉपी। हाँ मैं थप्पड़ लगा दूंगा, मजाक नहीं बोल रहा हूं, मेरे को नाजुक नहीं समझने, मैं पहले ही बोल रहा है। तू उसको बोलने का, उसका नाम अमर है, तो नाम नहीं मालूम तो शुक शुक करने का। बस मैं हरेक का नाम मालूम रहता है क्या तेरे को? येड़े कभी किसी को पूछेगा ना तुम्हारा नाम क्या है, वैसा पूछने का इसको भी। यार प्लीज यार मेरे को इरिटेट मत किया करो, मैंने जो चीज बोल दी है क्लास में कि मेरे को नहीं पता पंखे का बटन कौन सा है, मेरे को मत डिस्टर्ब किया करो फ्लो में। बोलने के बाद में क्या कर रहा है यार कीड़े, और खुश हो रहा है जरा, छबरी लग रहा है सबके सामने, कोई नहीं पट रही अभी इस बैच में तो। सॉरी यार। सो नाउ कैन आई नॉट राइट डाउन इसके नीचे आउट ऑफ अबव क्या लिखेंगे? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बोल क्या हुआ? आउट ऑफ अबव सम नंबर ऑफ शेयर्स आर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड इन कैश लिखेंगे। हाँ बोल भाई। हाँ बेटा वो एक्चुअली मुझे लगता है कि देर इज इनकंसिस्टेंसी इन द प्रॉब्लम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज दिस शेयर्स कैन नॉट बी फुल्ली पेड अप व्हेन देर आर कॉल्स इन अरियर्स। दिस शेयर्स कैन नॉट बी फुल्ली पेड अप व्हेन देर आर कॉल्स इन अरियर्स, बट दिस इज इनकंसिस्टेंसी। आई बिलीव ये ऐसा होना चाहिए, फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इच, फुल्ली पेड अप शब्द नहीं आना चाहिए, वो काट देना पड़ेगा अपने को, फुल्ली पेड अप काट दो शब्द, क्योंकि सर फुल्ली पेड अप होगा तो कॉल्स इन अरियर्स कैसे आएगा? सही है ना सेट? यस योर क्वेरी इज एब्सोल्युटली राइट सर। सो उसमें से फुल्ली पेड अप ये शब्द काट दो। ये बच्चों चले गए अभी आगे, अब इधर क्या लिखेंगे? आउट ऑफ अबव 6,30,000 इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड इन कंसिडरेशन ऑफ नहीं हूं नहीं तुम आगे बताओ क्या? इन कंसिडरेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सच ए लवली क्लास। अब राजा बेटा जी ये फिगर यहां से उठा के ऊपर ले जाए, ये फिगर यहां से उठा के ऊपर ले जाए। सो लिखते हैं फिर कितना आएगा, 1 crore, ये नोट नंबर 1 बनेगा शेयर कैपिटल का, 1 crore 48,09,500, 1 crore 4 lakh 89,500, 1 crore 4 lakh 89,500, 89,500। चल ले बेटा आगे। बेटा जी अगला कौन सा स्केड्यूल है? सो सेकंड वाला लिखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ए झंडू, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन से रिजर्व्स है? जनरल रिजर्व है, देख के बताओ बेटा जनरल रिजर्व कितना है? वेरी गुड बेटा, 21,84,000। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा,
ओ हम नवा। बेटा नहीं रहेगा कोई, चिंता मत कर। इतना फोकस क्यों कर रहा है उस लाइन पर? सो बेटा जी 32,34,000, आर वी रेडी? बेटा इसको यहां से उठा के कहां ले जाएंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस में 32,34,000। हैप्पी? रसगुल्ले बच्चों, अगले आइटम कौन सा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग, आर वी रेडी? सो नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग। बेटा अगर आपको याद होगा, सो लॉन्ग टर्म बोरिंग का क्लासिफिकेशन मैंने पहले ही कर दिया था, और उस लॉन्ग टर्म बोरिंग में बेटा जी हमारे पास था ना सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड बोरिंग, बराबर है? सो बेटा जी सिक्योर्ड बोरिंग को हम अंडरलाइन कर लिखेंगे, कौन सा? लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बराबर है? स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बेटा जी मेरा वर्किंग आएगा 15,75,000 माइनस 3,00,000। क्या बेटा आपको ये मंजूर है? 12,75,000 ये फिगर आ रहा है? 12,75,000 फिगर आ रहा है? कैसे बेटा जी, इसमें से 3,00,000 क्यों माइनस किया? ठीक है, फिर अनसिक्योर्ड बोरिंग, अनसिक्योर्ड बोरिंग अंडरलाइन कर बेटा जी अनसिक्योर्ड बोरिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, एडजस्टमेंट नंबर 7th, एडजस्टमेंट नंबर 7th देख पा रहे हो क्या आप? सो बेटा जी हम इधर लिखेंगे लोन्स, या टर्म लोन लिख देते, नहीं तो ठीक है ना, लोन फ्रॉम बैंक लिख देते, जो शब्द उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा, लोन फ्रॉम बैंक। बेटा जी ये कहां पर लिखा? एडजस्टमेंट नंबर 7, कितना बेटा जी? 3,00,000। फिर लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, वेरी गुड बेटा जी, 1,50,000। फिर राजा बेटा जी और एक आइटम है, अदर्स। बेटा जी अदर्स बैलेंसिंग फिगर रहेगा क्या? सो कैलकुलेटर पर लीजिए, 12,70,500, 12,70,500 माइनस 3,00,000 है बेटा, माइनस 1,50,000, 8,20,500। कबूले बेटा जी? अभी आउटर कॉलम में ले लीजिए 12,75,000 सिक्योर्ड वाला, और ये कितना आएगा? ये इसका भी ब्रेकअप उतना ही रहेगा, 12,70,500। कबूले बेटा ये? ए झंडू बाम, समझ में आ रहा है क्या? इसका ब्रेकअप दिया सिर्फ मैंने, इसका सिर्फ ब्रेकअप दिया ना, नीचे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 8,20,500 आ रहा ना, नहीं वही है ना, 12,70,500 माइनस 3,00,000 माइनस 1,50,000 बराबर है ना बेटा, 8,20,500 ही आएगा। तुम्हारे हिसाब से क्या फिगर आना चाहिए था? यही आना चाहिए। अच्छा तुमको ऐसे छेड़ने में मजा आता है, गुड। हाँ गुड़िया, एक सेकंड, 25,45,500। हाँ बेटा बोल, ये किसको क्वेरी थी? 8,20,500 ना? अच्छा कैसे कर रहे हो मुझे एक बार बताओगे? कैलकुलेटर पर लो, कैसे कर रहे हो आप? अरे चुप चुप, हाँ अभी बताओ कैसे कर रहे हो, पहले कैलकुलेटर। गुड़िया मैं कर लूं, इफ यू डोंट माइंड आई कैन हैंडल इट, बिकॉज देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हाँ बताओ क्या करने का है? क्या माइनस क्या करो? 12,75,000 आप गलत चीज पकड़ रहे हो मैडम, वो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, और नीचे अनसिक्योर्ड लोन है वो 12,70,500 है, और नीचे जो एडजस्टमेंट दिए वो अनसिक्योर्ड लोन के दिए है। गुड़िया आप जो 12,75,000 ले रहे हो गलत फिगर ले रहे हो, अगर आप इधर अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स लिखा है, सो अनसिक्योर्ड लोन विल बी पार्ट ऑफ दिस ना बेटा,
12,70,500. You considering this 15,75,000 itself is wrong. So you have to consider this figure. Do you all agree? So 12,70,500 में से जब आप less करोगे तो ये figure आएगा. पूरी class को clear है क्या ये? So बेटा जी ऊपर चल के लिख दो 25 lakh. 45,500. ये बेटा मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मेरे को थोड़ा सा एक बार चेक करने का. क्या किया था? शेयर कैपिटल वाला समझ में आया? आया क्या? रिजर्व एंड सरप्लस समझ में आया? और राजा बेटा जी लॉन्ग टर्म बोरिंग में दो टाइप की थी, कौन सी? सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड में राजा बेटा जी ऊपर लिया था लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और अनसिक्योर्ड में हमने तीन लोगों से लिया था. एक लिया था बैंक से, एक लिया था रिलेटेड पार्टी से, और एक है अदर्स. और अदर्स वाला फिगर कितना है? 8,2500. 8,2500 कैसे निकाला? अनसिक्योर्ड लोन 12,70,500 था, उसमें से दो फिगर माइनस किए. मैं रुकने को तैयार हूं, बट अगर कोई क्वेरी है तो पूछो आराम से. सर अनसिक्योर्ड समझ में नहीं है. अरे अनसिक्योर्ड कितना इजी है बाबू, ये फिगर देखना बाबा, ये अनसिक्योर्ड कितना है? 12,75,000 है क्या? अब नीचे जाने के बाद में अनसिक्योर्ड के बारे में क्या बोला? अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 3 lakh फ्रॉम बैंक, फिर 1,50,000 फ्रॉम रिलेटेड पार्टी. अगर आपको बोरिंग्स का क्लासिफिकेशन याद आ रहा होगा तो आप क्या लिखते थे? टर्म लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, फ्रॉम अदर्स. सो अनसिक्योर्ड लोन का जो ब्रेकअप है, मैंने वो ब्रेकअप लिखा सिर्फ. हैप्पी? एक बार कैलकुलेटर पर लो, एक बार पूरी क्लास ले लेगी. बेटा अनसिक्योर्ड लोन कितना है? 12,70,500 है क्या? अनसिक्योर्ड लोन जो येलो किया हुआ 12,70,500 है क्या? माइनस कीजिए उसमें से 3 lakh, ये हमने अलग दिखाया. माइनस कीजिए उसमें से 1,50,000, ये भी अलग दिखाया. तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर यही आएगा ना, 8,20,500. हैप्पी? अच्छा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया. लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद में ऊपर हेडिंग में हमारे पास क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग है कि नहीं है? सो राजा बेटा जी फोर्थ पॉइंट लिखे, शॉर्ट टर्म बोरिंग. शॉर्ट टर्म बोरिंग लिखा बेटा जी, यहां पर भी वही आइटम आएगा, राइट? सो हम क्या लिखेंगे ना? लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. अच्छा सिक्योर्ड लिखना, वेरी गुड बेटा, थैंक यू, बिल्कुल सही है, सिक्योर्ड लिखना जरूरी था. सिक्योर्ड और फिर क्या लिखेंगे बेटा जी अंडरलाइन कर, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ये अमाउंट आएगा 3 lakh, और इन द ब्रैकेट हम लिखेंगे करंट मैच्योरिटीज. करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, मैं LTB लिख रहा हूं, लॉन्ग टर्म बोरिंग मैंने लिखा LTB. करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना लिखा बेटा? 3 lakh. डू यू ऑल एग्री? गुड़िया आपसे एक मिस्टेक हो रहा है, फिगर्स आउटर कॉलम में ही जाने चाहिए, भले ही आप स्केल यूज नहीं कर रहे हो. जैसे उस गुड़िया ने लिखा है, देखो सारे फिगर्स आउटर कॉलम में, एक के नीचे. अगर आप ऊपर से मेरा ये देखोगे सो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि मेरे सारे फिगर्स आउटर कॉलम में दिख रहे हैं. दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक. ओके, पैराग्राफ नहीं दिखना बेटा, नोट्स शुड अपियर लाइक नोट्स. शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया बेटा जी. अब शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद में नेक्स्ट आइटम कौन सा है आपका? आवाज नहीं आ रही यार. बेटा ट्रेड पेबल में हम ज्यादा मशक्कत नहीं करेंगे, हमें फॉर्मेट याद है. अभी ट्रेड पेबल में हम सिर्फ इतना लिख देंगे. क्या लिखा है बेटा ट्रेड पेबल का एडजस्टमेंट? ऊपर जब हम जाते हैं ट्रेड पेबल में क्या लिखा? पेबल विद इन 6 months. सो हम लिखेंगे 5th one, ट्रेड पेबल लिखा बेटा. अच्छा इसको ऊपर नहीं लिया ना, ट्रेड पेबल. सो बेटा जी हम लिखेंगे पेबल फॉर और विदिन, पेबल विदिन 6 months. कितना है बेटा? 21 lakh. कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर
अगर एक ही आइटम रहा तो क्या उसका नोट बनाना जरूरी है? द आंसर इज नो, आप ऊपर भी लिख सकते हो, बट जब मैं पढ़ा रहा हूं तब फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपके सभी के नोट्स बना के दे रहा हूं, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं कट सकते, इट इज इम्पॉसिबल कि इसमें एग्जामिनर हमारे मार्क्स काट दे, तो ये हमने परफेक्ट फॉर्मेट फॉलो किया। अब बेटा जी इधर ऊपर आ जाओ, ये कितना लिखेंगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना लिखूं? 3 लाख। और बेटा जी ट्रेड पेबल कितना लिखो? 21 लाख। फिर अभी कौन सा बनाना है बेटा जी? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 6 वाला बनेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अंडरलाइन करो इसको और लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बोलो बेटा अमाउंट कितनी है? $12,25,350। धीरे धीरे लिखते जाओ, कॉमा डालते रहने का। हाँ अभी इसको ले चले गए ऊपर, कितना लिखेंगे पिल्लूड़िया? 12,25,350 टोटल बाद में लेंगे। ए झंडूबाम अपने पास अभी क्या है? नॉन करंट असेट। आर वी रेडी? ये बेटा जी पहले मैं बनाऊंगा फिर आपने बनाना। आई रिपीट, ये पहले मैं बनाऊंगा फिर आपने बनाना। आई रिपीट, ये पहले मैं बनाऊंगा फिर आपने बनाना, क्योंकि इसमें तुमको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है अगर तुमने जल्दबाजी करी तो। सो सेवेंथ मैंने लिखना है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटा आपसे एक प्रश्न पूछूं? बेटा इसका फॉर्मेट मैंने बहुत डिटेल में बताया, बट बेटा जी क्या है, जैसे समय की मांग होगी वैसे हम काम करेंगे। अब बेटा जी इसके अंदर हमें सारे डिटेल्स नहीं दिए हुए, हम क्यों करेंगे एडिशन डिडक्शन वाले कॉलम? आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, इज दैट ओके? फॉर्मेट वही है, हमारा फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, फिर कॉस्ट, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर बीवी। ओके पर्टिकुलर्स में पहला वाला कौन सा है बेटा जी? लैंड, फिर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बेस्ट है फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स। बेटा मुझे एक बात बताओ, किसी भी तरीके से इसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत थी? सब चीप है, सब दिया हुआ है। अब कम डाउन टू द एडजस्टमेंट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज हाउ मच? सो मैंने कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग 42 लाख लिखा। बेटा जी नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 73,50,000, फिर 6,56,000 रसगुल्ले। मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं, गो एंड चेक आपको ट्रायल बैलेंस में कौन से फिगर दिए? अगर प्लांट एंड बिल्डिंग की बात करूं तो कितना दिया है? बिल्डिंग का मेरे को फिगर दिया है 30,75,000। सो बेटा जी वो बुक वैल्यू दिया है। सर आपको कैसे पता बुक वैल्यू दिया? बेटा ट्रायल बैलेंस में आपको बुक वैल्यू दी जाएगी, या दो फिगर दिए जाएंगे, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब वो ना दिया जाए तो क्या दिया जाएगा? बुक वैल्यू। सो बेटा जी बुक वैल्यू होगी ना। बेटा जी नेक्स्ट आइटम कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी का फिगर कितना है? 55,12,500। कैन आई हैव द नेक्स्ट फिगर प्लीज? फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स का बैलेंस कितना है? 5 लाख। वाह रसगुल्ले, अब मुझे बताओ लैंड का तो कॉस्ट ही दे रखेंगे, क्यों? क्योंकि लैंड डिप्रिशिएट होती है क्या? सो बुक वैल्यू 21 लाख है और कॉस्ट भी 21 लाख ही रहेगी। ए झंडू, ये इधर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर आएगा क्या? मतलब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इधर निल, और इधर 42 लाख माइनस 30,75,000, व्हाट इज माय एक्यूमुलेटेड? 11,25,000। फिर नेक्स्ट 73,50,000 माइनस 55,12,500 कितना आएगा? 18,37,500।
फिर राजा बेटा जी 6,56,250 माइनस 5,25,000 कितना आएगा 1,31,250। कबूल है? Yes, sir. ए रसगुल्ले बच्चे, हम टोटल तो बुक वैल्यू की लेंगे, बट बेटा जी आपको डिस्क्लोजर देते वक्त इन तीनों कॉलम का देना पड़ता है। एडवांस अकाउंट्स इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर। सो आपने क्या किया, आपने कॉस्ट लिखी और आपको बुक वैल्यू दी, उसके बेसिस पर आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन और लिख दिया। अब इसकी टोटल अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, 21 लाख प्लस 30 लाख 75,000 प्लस 55 लाख 12,500 प्लस 5 लाख 25,000 कितना आ रहा है 1 करोड़ 12 लाख 12,500। और दूसरे वाले की बात करें तो 11 लाख 25,000 प्लस 18 लाख 37,500 प्लस 131,250, तो झंडू के बाम मेरा आंसर आएगा 30 लाख 93,750। वन करोड़ 6,250। क्या ये पूरी क्लास को समझ में आया? ये डिस्क्लोजर की बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, बैलेंस शीट में कौन सा फिगर जाएगा, मुझे हाईलाइट करना है, अगर आप एक बार पढ़कर बता दो तो मजा आ जाएगा। नहीं, बुक वैल्यू मतलब कितना है, फिगर बताओ ना। 1 करोड़ 12 लाख 12,500 मतलब बाकी के फिगर सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए। इज दैट ओके? ये यूजर्स की यूजेबिलिटी बढ़ा रहा है कि हमारे पास कितनी ओरिजिनल कॉस्ट के एसेट है, कितना डिप्रिशिएट हो चुका है और उसकी कितनी बुक वैल्यू है। बट बैलेंस शीट में बुक वैल्यू जाएगी, बैलेंस शीट विल नॉट हैव ओरिजिनल कॉस्ट। इज दैट ओके? बैलेंस शीट विल नॉट हैव एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन, दिस वुड बी पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर। लिख लियो। हाँ बेटा, कम अगेन। ट्रीटमेंट का मतलब क्या बोल रहे हो? हाँ, मतलब आप बता रहे हो कि सर शेयर्स में जो प्लांट एंड मशीनरी या लैंड हमने जो इश्यू किया था तो वो इधर भी दिखाना है क्या? नहीं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन। आई मीन यू आर आस्किंग मी एंट्री फॉर दैट। सो एंट्री वुड बी व्हाट सर? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सो जैसे तुमने ये बताया सिक्स, क्या हुआ, क्या हो गया, सुनना भाई। ओ भैया, इसको कोई लेके चले जाओ मेरे ऑफिस में एंड लेट हिम रेस्ट देयर। ORS वगैरह दो उसको, मेरे ऑफिस में मिल जाएगा। प्लीज टेक हिम, प्लीज टेक हिम। ये उठाओ ना उसको, क्या कर रहे हो तुम? ये उसको पकड़, कोई तो पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूं। दोस्त सुनना, थोड़ा सा हिम्मत मत हार, दोस्त सुनना, थोड़ा सा स्ट्रांग रहे, सपोर्ट दो कुछ। ए सुनो ना, कोई बॉयज उसको पकड़ो प्लीज। ए सुनना अमर, ए अमर पकड़ ना भाई। अमर ते बघ त्याची काळजी घे, जरा हॉस्पिटल मध्ये घेऊन जायचं असेल तर तसं कर। एक बुरा ना मानो तो एक बात बोलू क्या, आज वो गिरा, कल और कोई गिरेगा, बट तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं था। शुड कम अप फॉरवर्ड एंड हेल्प द पीपल, दिस वॉज नॉट गुड। यहां पर बैठे हुए तुमसे जम नहीं रहा है कोई चीज हेल्प करना। यहां पर वो पहली चीज सीखो तुम, ह्यूमैनिटी। आज वो है, कल कोई और रहेगा, इट्स नॉट गुड। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था सर, लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री होगी, लैंड एंड बिल्डिंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर, बिकॉज दे हैव गिवन अस द ट्रायल बैलेंस, दैट एंट्री इज ऑलरेडी डन। बस उसका सिर्फ डिस्क्लोजर देना है। तो अगर आप ये पूछ रहे थे कि उसकी एंट्री करनी पड़ेगी क्या, नहीं, हमें ट्रायल बैलेंस दिया और हमें यह बोला गया, जरा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, 6,30,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड, अंडरलाइन द वर्ड अलॉटेड, एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपको एंट्री करने के लिए नहीं बता रहे, वो बोल रहे कि ये इसके लिए अलॉट किए गए थे लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग में वो इनकॉर्पोरेट हो गया और शेयर कैपिटल में भी इनकॉर्पोरेट हो गया। अब आपको उसका सिर्फ डिस्क्लोजर देना है, डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगे। लिखो, क्या हुआ?
सर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे टोटल करके बुक वैल्यू का। देखो बेटा मैंने लेक्चर के शुरुआत में भी कह दिया था एडवांस अकाउंट्स में आप टैली टैली खत्म करो, वो टैली टैली वाले दिन गए अभी। अब अगर सीए बनना चाहते हो तो ये डिस्क्लोजर का गेम चलेगा, और नॉन डिस्क्लोजर की पेनल्टीज 10-10 लाख रुपए है। आई विल रिपीट इट अगेन फॉर यू, जैसे आपके पास फॉरेन बैंक के असेट है, मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था आपने ध्यान से नहीं सुना था, आपके पास फॉरेन बैंक में पैसा है, भले आपके फॉरेन बैंक में आपके पैन नंबर के अगेंस्ट में मान लीजिए 1 लाख रुपए है, और अगर आपने उसको आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया तो आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी है एवरी ईयर। उधर कितने रुपए है? 1 लाख। पेनल्टी कितनी लग रही है? 10 लाख। ये प्रोविजन है आपके। सो स्टार्ट बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ, डोंट थिंक अबाउट टैली टैली ओनली। डायरेक्टली भी ले सकते तो फिर क्या मैं क्यों कर रहा हूं मैं इधर ही है? समझ में आ रही है बात? ओके, आर वी डन? चले भी आगे। ओके ये लिख लिया बेटा जी, ऊपर लिखते बेटा जी पीपीई कितना लिखेंगे? 12 लाख। ये कौन सा है? स्केड्यूल नंबर 7। 1 करोड़ 12 लाख। 1 करोड़ 12 लाख। यार मेरे को ही नहीं आ रहा फिगर कौन सा। 1 12 12 500। 1 12 12 500। 1 1 2 500। हैप्पी? चलो अब मेरे को नहीं आता इंटेंजिबल असेट्स, मेरे को इंटेंजिबल असेट नहीं आता है। ये कुछ भी नहीं है उसमें, मैं तुमसे नहीं करा रहा, वो खाली पकड़े हीरो बन जाओगे तुम मेरे सामने। कुछ नहीं, मेरे को लगा उसका कुछ रहेगा। इंटेंजिबल असेट है झंडू, बस इतना ही लिखना है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ओ भैया बता दे कितना है? 6 लाख। बरोबर है? अगर इसके अंदर अमोर्टाइजेशन दिया जाता या इसकी WDV दी जाती तो हम इसको भी करते। सो कैन आई राइट डाउन 6 लाख ऊपर? चलो अभी कौन सा? इन्वेंट्रीज। मेरे को नहीं आ रहा, तुमको भी नहीं आ रहा होगा। इन्वेंट्रीज, हाँ इन्वेंट्रीज में क्या क्या बताओ? कितना प्यारा बच्चा है, फिनिश गुड्स 21 लाख, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना बेटा? 5,25,000। सो 21 लाख प्लस 5,25,000, माय डियर स्टूडेंट्स इट इज 26,25,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? व्हाट अ लवली पीपल यू हैव बीन सो फार। इसको कहाँ ले जाएंगे? बैलेंस शीट में ले जाऊं? कितना लिखेंगे? 26 लाख। सांस लेते रहो, क्या बात है। सो 26 लाख बेस्ट है, 26,25,000। रसगुल्ले, ट्रेड रिसीवेबल, हाँ गुड़िया डिस्क्लोजर दूंगा ना। ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, ये फिगर है राजा बेटा जी, मेरे पास 5,70,000 सही है। अदर्स, अदर्स का कितना आएगा? ये डोस क्या ये 21 लाख माइनस, अरे यार 15,30,000। डी ऑल एग्री? ये बेटा 15,30,000 कैसा है रे? मुझे नहीं समझे कैसे है। तो बेटा 21 लाख वर्स द टोटल ट्रेड रिसीवेबल, उसका डिस्क्लोजर दिया। अब कुछ बच्चे मुझे पूछेंगे कि सर हमने तो बस डिस्क्लोजर का फॉर्मेट अलग पढ़ा था। आप वैसा भी कर सकते हो,
मुझे कोई एतराज नहीं है। तो आप कैसे करते हो उस केस में, पर्टिकुलर्स ड्यू फॉर लेस देन सिक्स मंथ्स, मोर देन सिक्स मंथ्स एंड वन ईयर, सिक्स टू वन ईयर, ग्रेटर देन वन ईयर टू टू ईयर, टू ईयर टू थ्री ईयर एंड मोर देन थ्री ईयर्स एंड टोटल। बट बेटा उतने डिटेल्स है नहीं, तो फिर मैं एक के नीचे एक ही लिखकर खत्म कर दिया। बात यह है फॉर्मेट वैसा का वैसा चाहिए, यह बात नहीं है, डिस्क्लोजर यह जाने चाहिए कि लेस देन सिक्स मंथ्स और ग्रेटर देन सिक्स मंथ्स। अच्छा, अभी इधर अदर्स के आगे क्या लिखेंगे, अदर्स कंसिडर्ड गुड, तुम्हें याद है क्या यह लिखा था, कंसिडर्ड गुड एंड कंसिडर्ड डाउटफुल, याद आ रहा है क्या? तो इधर भी ऊपर क्या आएगा, कंसिडर्ड गुड। सर आपको कैसे पता कंसिडर्ड गुड, अबे डाउटफुल होता तो बोलते ना, नहीं बोलेंगे तो हम क्या अज्यूम करेंगे, गुड। तो हमारे सारे डिस्क्लोजर्स आ गए, तुमको फिर भी नहीं करना ऐसा तो तुम क्या करोगे, पर्टिकुलर्स एक आए दिला कुछ बसोला दिला ORS दिला, क्या हुआ उसको, अभी पंखे में बैठा है उसको, यार थोड़ा सा तबीयत का ध्यान रखो रे बाबू। अरे नहीं तुमको क्या, किसमें ट्वेंटी वन लैक्स लिख दिया क्या, मैं बात करूंगा थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम। ए सुनना सुनना सुन, एक मेरी मेरी बात, मेरे से गलती हो गई एक बार, इतना यार ये कंप्लीट करना पड़ेगा, शिट मेरा अभी ध्यान गया वॉच का। मेरी बात सुनो, ये 21 लाख सभी को समझ में आया, इसके ऊपर कल और बात कर लेंगे। तो चलो जल्दी से इसको 21 लाख लिखकर खत्म करो, ये कितने आइटम रह रहे अभी, शिट यार टाइम कब भागा मुझे नहीं पता चला। 21 लाख अभी लास्ट में वाला लिखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फास्ट फास्ट, हाँ लिख रहा हूं बेटा। सो कैश इन हैंड, इतनी फटाफट पब्लिक बता रही, बोले जा भाग अभी इधर से अंडिया, कब से साले बड़बड़ कर रहे। फिर नेक्स्ट बैलेंस विद बैंक, नहीं नहीं इतनी घाई नहीं करने का बेटा, इतनी घाई नहीं करने का, पहले देखो कौन सासू है कौन क्या है। बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद बैंक में राजा बेटा जी नीचे हम लिखेंगे नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, हाँ 27,000 से यस। फिर इधर लिखेंगे डिपॉजिट विथ बैंक, डिपॉजिट विथ बैंक 7,50,000। और बेटा जी ये अदर्स आएगा बैलेंसिंग फिगर, अदर्स का वर्किंग आपको बता दूं बेटा जी मैं, सो बैलेंस विथ बैंक इज 25,93,500 बेटा, माइनस करना है 27,000 और माइनस करना है 7,50,000। क्या ये आपको कबूल है क्या, मैं फिर दोबारा बताऊं क्या किया मैंने बेटा, टोटल बैलेंस विद बैंक कितना दिया है 25,93,500 दिया गया, उसमें से 27,000 मैंने अलग दिखा दिया और डिपॉजिट भी अलग दिखा दिया। तो बेटा जी अभी बैलेंसिंग फिगर बताओ, ये सुनो वो राजा को फोन करके बोल कि एक पांच मिनट लेट होएगा, हो गया राजा को फोन करके बोलिए, उसको फोन करके बोला आर्यन को बसेस के लिए, बराबर बेटू आउटर कॉलम में कितना जाएगा 25,93,500 बेटा, टोटल ले लो 29,08,500। कैन आई टेक दिस फिगर ऊपर 29,08,500। और बेटा जी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में है क्या कोई, बेटा ये डायरेक्ट लिख दू क्या, सो इस 7 के बाद में इन्वेंटरी का 8, ट्रेड रिसीवेबल का 9, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 10, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस बेटा क्या लिखूंगा उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, सो कुछ है क्या उसके बारे में, सो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है मेरे पास 448,350 बेटा जी, अभी एक बार टैली कर देखो कितने में टैली हो रहा है, 1,98,94,350। नीचे भी यही आ रहा है क्या,
अब बेटा जी सिर्फ अगर आप इतना ही बैलेंस शीट देखेंगे तो ये भी टैलिड है, बट इतनी सी बैलेंस शीट के आपको मार्क्स नहीं मिल रहे, सारे डिस्क्लोजर्स के मार्क्स मिलेंगे। इज दैट ओके? सो क्वेश्चन वन आज आपका हुआ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देके भेज रहा हूं, करके आएंगे आप। सो बेटा जी सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर टू, ये छोड़ो ना, क्वेश्चन नंबर टू को गोली मारो, मैं आपको बहुत भारी वाला क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री मुझे जितना है आप करके बताना। क्वेश्चन नंबर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फोर है, ग्रीन का क्वेश्चन नंबर टू इज होमवर्क, ग्रीन का क्वेश्चन नंबर टू इज होमवर्क, जितना है उतना करके आना। और जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री इज नवंबर 19, 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर थ्री आपको करके आने का, कितने क्वेश्चन दिए होमवर्क? दो और तीन। कौन सा? ग्रीन का, ऑरेंज का नहीं। प्रेम से बाय बाय बोलने का। हाँ बेटा क्या? टू एंड थ्री, ग्रीन टू एंड थ्री। हाँ बेटू, ये उसको माइक देने गुड़िया को। ग्रीन का टू एंड थ्री होमवर्क है। हाँ बोल गुड़िया बोल। सर वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है ना, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कैसे कंसीडर किया हमने? क्योंकि बेटा जी टैक्स जो होता है ना, हमको अगले, मतलब अगर आप पूजा मैम से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स हमें अगले साल के लिए भरना पड़ता है, माने करंट ईयर का करंट ईयर में भरते हैं, बट उसका असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में होता है। वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही रहेगा, लॉन्ग टर्म नहीं है वो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, शॉर्ट टर्म अगले साल तक सेटल हो जाएगी वो। थैंक यू। यस चलो ऑनलाइन के रसगुल्ले, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लॉट्स ऑफ लव।